तो मेरे होने का भी कोई मीनिंग है। अभी जैसा मैंने स्वयं को माना है, कैसा माना है, मैं एक स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटी हूं, माँ हूं, पति हूं, और दूसरों को दूसरे मेरे अनुसार चल जाए या कुछ भौतिक है ना, कुछ चीजें मेरे को मेरे अनुसार मिल जाए, ये हमारा वो मीनिंग है जो हम स्वयं को अधूरे में देख रहे हैं, अधूरे में मान के चल रहे हैं, वो दुनिया जो हमने अधूरे में बसाई हुई है। तो जिस तरह से हमारा ध्यान भौतिक वस्तुओं को लेके गया, फिजिकल चीजों को लेके गया, और हमको एक थोड़ा सा एक झलक मिली कि नेचर में उनके होने का पर्पस अलग है, या होने का जैसा हम मान के चल रहे हैं वैसा नहीं है, वैसा ही जिस दिन मेरे को अपने बारे में ये झलक मिलती है कि जैसा मैं अभी जी रही हूँ ऐसा जिंदगी नहीं है, जिंदगी जहाँ है वो बिल्कुल जैसे अभी एक अंतर हमको दिखाई दिया, ऐसे ही हमको अपने बारे में भी कोई मोमेंट में वो अंतर दिखाई दे जाएगा कि जिंदगी तो बिल्कुल ऐसी है, हल्क नहीं है, जैसा हम सोच के चल रहे थे वैसा नहीं है। तो बिल्कुल इससे बहुत इंटेंस फीलिंग, और वो थोड़ा सा अपने अंदर टिकता है तो लगातार एक फीलिंग अपने भीतर वो बना रहता है कि जैसा हम सोचते, जिस दुनिया को अभी हम इमेजिन करते हैं, जिससे हम सुख दुख पाते हैं, जिसको हम रियलिटी मानते हैं, है ना, हमारे जीने की दुनिया भी उससे हटके है, वैसी नहीं है, और हर बार दुख मात्र इस बात की सूचना है कि दरवाजा इधर नहीं है, दुख का और कोई मतलब नहीं है, दुख मात्र इस बात का संकेत है कि इधर जिंदगी नहीं है, किधर जिंदगी है उसका एड्रेस हमारे पास होगा, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे भरोसा होगा, वो एहसास हमारे भीतर बढ़ेगा और हम एक बेहतर पोजिशन में आएंगे। चलिए तो इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी ब्रेक के पहले हमने जो बात किया उसमें देखा कि हमने कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक प्रकार की आवश्यकता भौतिक है, दूसरे प्रकार की आवश्यकता भाव है, दोनों अलग अलग हैं, ये भी हमारा ध्यान गया, और ये भी ध्यान गया कि आप भौतिक आवश्यकता से भाव की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, सभी एक साथ, क्या भौतिक आवश्यकता से भाव की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, है ना, भौतिक आवश्यकता से भाव की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश ही हमने अभी तक की है ना, जो ये सामान से सम्मान की तलाश है अभी लिखेंगे उसको, है ना, जो रूप बल धनपद से पहचान और सम्मान की तलाश हमने की है, हम कर वो ही रहे हैं, उसको और ठीक से देखते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, यदि हम रोटी की बात करें, अब हम उसको समझना चाह रहे हैं कि भौतिक आवश्यकता, आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, ऐसा हम अधिकांश लोग मानते हैं, और मानव की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती ऐसा मानते हैं, सभी सफल नहीं हो सकते ऐसा मानते हैं, सभी सुखी नहीं हो सकते ऐसा मानते हैं, इन मान्यताओं को धीरे धीरे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं आवश्यकता को लेके, और यदि रोटी की आवश्यकता की बात करते हैं तो रोटी की आवश्यकता सीमित नजर आती है कि असीमित नजर आती है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो रोटी के मामले में पूरी सभा एक मत है कि रोटी की आवश्यकता सीमित है, निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल की तरफ जाते हैं, अब आवश्यकता सीमित लगती है कि असीमित होने लगती है, अब यह असीमित होने लगती है, ठीक है, जबकि दोनों भौतिक है, रोटी भी भौतिक आवश्यकता है, कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी, ये सब भी भौतिक आवश्यकता है, तो क्यों रोटी के मामले में आवश्यकता निश्चित नजर आती है, क्यों गाड़ी, साड़ी, मोबाइल और मकान इन सब मामलों में आवश्यकता असीम लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है,
जबकि दोनों भौतिक। हाँ रोटी अपने ग्रहण अपने है, रोटी अपने लिए है। हाँ तो वो अपने जितना ले खा सकते, अपने जितना खा सकते उतना ही, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और पैंट शर्ट भी एक बार में जितना पहन सकते हैं एक ही पहन सकते हैं, तो फिर इसमें अनलिमिटेड क्यों लगता है? अनलिमिटेड यानी कपड़ा अनलिमिटेड यानी वो ऑप्शंस के, भाई आज क्या पहनूं कल, रोज के लिए अलग अलग, इसलिए हम लगता है रोज के लिए अलग अलग। उसमें भी क्या दिया जाता है, आज खाकरा कल भापरा परसों ढोकला खांडवा मांडवी, है ना? खांडवी, अच्छा मांडवी में तो अपन शिविर किया था, है ना? और छोला भटूरा और इडली और डोसा, ऐसे गिनना शुरू करोगे तो इतना आइटम है ना, पनीर और चिल्ली और उसकी 36 आइटम और सबकी 36 आइटम, पता चलेगा साथ में एक आइटम का नंबर नहीं आएगा। तो वैरायटी तो कारण नहीं हो सकता। खाने की वैरायटी ज़्यादा है कि कपड़े की वैरायटी ज़्यादा है? खाने की वैरायटी ज़्यादा है। आदमी बेचारा क्या करेगा, पैंट की मोरी थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी कम, इससे ज्यादा क्या करेगा बेचारा, इतना ही करता है। हाँ जी, डिमांड एंड सप्लाई के कारण ऐसा होता है। अच्छा माइक तो इनको कभी ज्ञान की बात कर रहे डिमांड एंड सप्लाई रूल अप्लाई करता है आई थिंक जब कपड़े आते हैं उसी के लिए। और कपड़े के बारे में ऐसा लगता नहीं मिलेगा, फैशन के लिए तो आजकल ऐसा ही लगने लग गया है क्योंकि हर 2 मंथ्स नई कुछ चीज आ जाती है, तो आपको लेफ्ट आउट फील होता है अगर आपके पास वैसे नए फैशन। लेफ्ट आउट क्यों फील होता है? इनसिक्योरिटीज के कारण एंड ऑल्सो मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो यू आर कम्प्लीटली आउट फ्रॉम द हैपनिंग क्राउड, तो वो आई थिंक इनसिक्योरिटी को भी फ्यूल करता है और फिर एक होर्डिंग बिहेवियर भी आ जाता है कि ये मेरे पास होना ही चाहिए। तो आई फील इट्स आइडिया इज कि मैं अगर कपड़ों में कलर्स होंगे मेरे पास या वैरायटी होगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा उसको चयन करने में, तो इसलिए मैं सेम ही रखूँ ताकि मेरे को वो टाइम 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है उन कपड़ों पर, तो मैं सेम शर्ट निकालूंगा और सेम चीज़ पहनूंगा। उसको तो ठीक है, उसको तो अकल नहीं है। हाँ अपन तो अकल वालों की बात कर रहे हैं। माइक तो वो अमीर है उसे शॉप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अमीर उसके जितने नहीं है इसलिए हम शॉप करते कि हम अमीर हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। उसको ऊंचा दिखाने में बिल्ट इन है कि दूसरा नीचा होगा तो मैं ऊंचा होगा, बट बैक ऑफ द माइंड तो हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं ना। हाँ मतलब यही कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। तो क्या करें, बहुत अच्छा कोट जय कृष्णमूर्ति का मुझे याद आ रहा है, आई थिंक यस्टरडे भी मैंने बताया था, द ग्रेटर द इनवर्ड पॉवर्टी द मोर द आउटवर्ड शो है या ऐसा कुछ था। हिंदी बताओ, अंदर का कटोरा जितना खाली है उतना ही आप बाहर से पूर्ति कर रहे हैं उसके लिए। तो मामला इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना है, मामला इस बात का है कि कटोरा कितना खाली है। सर रोटी का कंपैरिजन नहीं है, कपड़ा और मकान गाड़ी सबका कंपैरिजन है। अच्छा कंपैरिजन क्यों करते हैं? अब ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं पर कंपैरिजन है। अरे आप अपने से पूछो ना भाई क्यों करते हो, क्यों दिखाते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं,
व्हाटएवर, सो यू इट फॉल्स है, लेकिन एक वही एक तुलना का एक जरिया है, एक यू नो कि आई एम बेटर देन यू ऐसा. एंड रोटी तो अपने अंदर ही जानी है, थोड़ी दुनिया को दिखानी है. ऐसा नहीं करते कि सुबह उठ के थाली लेके निकले पूरे मोहल्ले में, देखो हमारे यहाँ बने हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसा बन रहा है क्या? आजकल तो वो भी हो रहा है, आइसक्रीम का पहले फोटो जाता है फिर वो मुंह में जाता है, तब तक वो मिल्क शेक बन जाता है. के टाइम में कोई फोटो खींच रहा था थाली का, आई डोंट नो कौन खींच रहा था, बट आज ही सुबह कोई नाश्ते के टाइम पे कोई फोटो हां किसी को बता दो हम ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, वैसा मत समझना. शिविर विविर में तो ऐसे दाल रोटी में काम चल रहा होगा. हाँ जी सर, कपड़ा मकान गाड़ी जो जो चीज़ें हैं ना, तो एक हमारे मन में एक माइंड सेट है कि बार बार उसी चीज़ को देखेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे. तो लोगों से हम क्या कहने लेना चाहते हैं? नहीं तो जिंदगी तो वैसे ही जी रहे, लोग क्या कहेंगे, मकान 25 साल से वही है, सक्षम आदमी है, चेंज नहीं कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, कपड़ा भी वही वही पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे. तो इसी के कारण कई मैंने जो देखा है कि मकान भी इसलिए जल्दी जल्दी चेंज कर देते हैं, दूसरों की जजमेंट से बच जाना है कि सब जैसे हैं वैसे ही हमको दिखना है, हम अलग नहीं है, उसकी वजह से भी लोग वैसी चीज करते हैं तो वो चीज भी पाई जाती है. जी हाँ जी होती है कि घर में तुम कम कर लो पर बाहर जब जाओ तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेड प्रॉपरली. तो क्योंकि वो एक धारा चली आ रही काफी टाइम से, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अनफॉर्चुनेटली मतलब अपनी स्टेटस और अपने स्टेटस को ही सेव करने. स्टेटस क्या होता है, क्या मिलता है उससे? बाहर भौतिक सुख, एक नाम, तो उसको सेव करने के लिए ये बच्चों को सिखाया जाता है कि आप घर में थोड़ा कम कर लो पर आपको बाहर जाके अच्छी तरह से प्रेजेंट अपने आप को करना ही है. तो उसमें कपड़े ज्वेलरी एक महत्वपूर्ण चीज है. हाँ जी माइक ले लो. तो जो मिक्सचर का लग रहा है शो ऑफ और लोअर कॉन्फिडेंस का, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ. मेरे साथ क्या हुआ कि मैं कभी कभी साइकिलिंग करता हूँ. हाँ तो अर्ली मॉर्निंग नहीं जाता हूँ, तो मेरा फ्रेंड मिलने को आया तो वो बोला कि तू क्या साइकिल लेके निकलता है, लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं. तो मैंने बोला कि क्या बोल रहे हैं मतलब, तो बोला कि नहीं नहीं वो अच्छा नहीं लगता है, साइकिल लेके क्यों निकलता है. तो मैंने उनको बोला कि देखो ये वो सोसाइटी है, अगर मैं सुबह 5:30 से 8:30 के बीच में साइकिल लेके निकलूंगा तो बोलेंगे कि हाँ हाँ ये तो मंथन भाई हेल्थ कॉन्शियस है. 9 बजे के बाद निकलूंगा तो वो बोल रहे हैं कि वो तो कुछ कमाता नहीं है, साइकिल पे घूमता रहता है. अब ये 2-3 घंटे में ही आपका नजरिया मेरी और चेंज हो जाता है, इतनी वीक सोसाइटी है. तो इस सोसाइटी के अप्रूवल की अपने को क्या जरूरत है, इन लोगों का 2 घंटे में नजरिया चेंज हो जाता है पूरा. सुबह में निकलता हूँ तो उनको अच्छा लगता है, हेल्थ कॉन्शियस है. दिन में निकलता हूँ तो ऐसा सोचते हैं कि ये तो कुछ कमाता नहीं होगा, साइकिल लेके घूमता रहता है. और शायद मेरा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो सकता है, अगर हो तो आप थोड़ा उनको, ये मर्दों पे ज़्यादा प्रेशर रहता है. मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू साइकिल लेके निकलेगा तो लड़की इंप्रेस नहीं होगी. शादी हो गई कि नहीं? नहीं. ओ, तो प्रॉब्लम जनवे. हाँ. वो बोलता है कि उनकी मम्मी का भी ध्यान रहेगा कि ये साइकिल पे निकलता है. मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी फ्रेंड को साइकिल पे मिलने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है. अब जिसको अपने को एक्सेप्ट करना है वो कर लेगा ना, अपने में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ है, मेरे को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ. एक बार फिर से बोल रहा हूँ ये कोई ईगो नहीं है, नॉर्मली बोल रहा हूँ. बिल्कुल ठीक बात. हाँ जी और कुछ बोल. तो चाचा हर रोज एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे, कभी चाचा जो थे हर रोज एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे, कभी कभार ऐसे 2-3 दिन वही कपड़ा पहन लिया, मेले भी हो गए. चाचा को कुछ पड़ी नहीं थी, भतीजे को लगता था कि ये चाचा कभी कपड़ा तो बदलता नहीं है, तो भतीजे को लगा चलो चाचा को कहीं घुमा के लेके आए.
एक बार चाचे को बोला कि चलो मुंबई चलते हैं, घूम के आते हैं। मुंबई गए दोनों, तो भतीजे ने बोला कि ये मुंबई है, बड़ी जगह है, आपको कपड़े तो बदलने पड़ेंगे, थोड़े अच्छे दिखोगे। चाचे ने बोला कि इधर कौन जानता है हम लोगों को, जो है चलेगा। फिर भतीजा तो क्या बोले, वो बेचारा छोटा था, मुंबई घूम के दोनों वापिस आ गए। वापिस आने के बाद भतीजे ने बोला अभी तो बदल दो कपड़े। चाचा बोलता है कि इधर तो सब जानते हैं मुझे, बदलने की जरूरत क्या है। मेरे दो तीन ऐसे ब्लू टी शर्ट्स हैं स्टैंडर्ड, और एक ब्लैक शॉर्ट्स है। तो मेरी फैमिली ने मुझे इंकपॉट बुलाना चालू कर दिया है। क्या? इंकपॉट। इंकपॉट क्योंकि तू नीला ही दिखता है, तू चेंज ही नहीं करता, तेरे पास दूसरे बहुत सारे हैं बट तू यही पहनता है। सो वो टैग भी लगा दिया है कि तू तो इंकपॉट है। बाजू में बोलने वाले भी बैठे हैं। कुछ लोगों को अपने कपड़ों के प्रति बहुत प्यार रहता है, न्यू कपड़े लेके रख देते कबट में, वो यूज नहीं करते, देख देख के खुश होते हैं। हम बोलते हैं उनको कि न्यू कपड़े लिए हैं तो पहन के ना, कि नहीं आएंगे और थोड़ी पहन लेंगे, तुम लोग ऐसे करते हो, मैं नहीं करता। मतलब तो सुख का मामला है, किसी को दिखाने में है, किसी को देखने में। हाँ, नहीं पर बोलेंगे ये है ना इधर, तो ये काम चल जाएगा, इसको क्या न्यू पहनने की क्या जरूरत है। अभी पीछे एक मैं बोलो बेटा। मेरा नाम कीर्ति है और मैं आज इनके पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हम इनको जीना समझ रहे थे, और इसलिए इसका ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये तो जी लगता है काफी सारे व्यूज आ गए। मानव अपने लिए महत्वता ढूंढता है सुख के लिए, तो उसे लगता है कि उसे ये महत्वता दिखावे से शायद मिलती है समाज से, ताकि उसे सुख मिले, तो इसीलिए ये सब कार्य करता है। हाँ जी, कपड़े में क्यों अटके, भाई गाड़ी भी है और डायमंड भी है। इसमें कैसा होता है कि एक मेरे लिए मैं पहनता हूँ, शायद मेरे को अच्छे कपड़े पहनने से मेरे को अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। अगर मैं नॉर्मल ऐसे कपड़े से कॉन्फिडेंस आता है, कई बार आता है आगे, मैं एकदम अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाता हूँ तो मैं दिखाने के लिए नहीं जाता हूँ, खुद को अच्छा लगता है और खुद पे कॉन्फिडेंस उसके कारण कई बार बढ़ भी जाता है। हाँ मैं अच्छा वेल ड्रेस्ड हूँ, कहीं पे हूँ तो मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मेरे को अपने आप पे मैं कहीं पे भी प्रेजेंटेबल हो सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो उसकी वजह से भी अच्छे कपड़े पहनने की वजह से, या अच्छी गाड़ी लेके जाता हूँ तो हाँ मेरे पास है। वो सिर्फ कई बार दिखाने के लिए, खुद के लिए भी हो सकता है, वो हर बार दिखाना जरूरी नहीं होता, वो मेरी खुद की वो खुशी के लिए भी मैं वो करता हूँ कि मेरे को मेरा कम्फर्ट चाहिए, मेरे को गाड़ी अच्छी चाहिए, अब मेरे को आज मैं मैनुअल गाड़ी चलाता हूँ, अब मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए, तो वो मेरे को दिखाने के नहीं चाहिए, पर रोज का मेरा ड्राइव 100 किलोमीटर है तो मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए जिससे मेरे को सुख मिलता है। वो ये ठीक कोई पर्पस है उसका, हाँ तो जस्टिफाइड है। हाँ जी, फिजिकल भौतिक है जिंदा रहने के धरातल पर है, और जो कपड़े की जो है वो जीने के साथ जुड़ी हुई है, वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड हो जाएगा। हाँ जी, पीछे बोले बोले। सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक साधु महात्मा रोड पे खड़े होते हैं, उसको लिफ्ट नहीं दी, फिर एक जन ने वहाँ पर गाड़ी रोकी और उसको एक लिफ्ट दी, आगे जाके एक होटल पे वो रुके, तो जैसे ही वो साधु महात्मा कार में से बाहर निकले तो सब उसको पैर छूने लगे और उसको वो इम्पोर्टेंस दी, जबकि वो रोड पे खड़े थे तो उसको किसी ने वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वैसे ये मामला तो थोड़ा सा मुश्किल में है, पता चला कार वाला ही पैर छूने आ गया। हेलो, हमारा प्रश्न क्या था, एक बार वापस बता सकते हैं? भैया प्रश्न क्या था, मतलब क्या इस बात पे डिस्कशन हो रहा था? प्रश्न क्या था, तो इतनी देर से आप कहाँ थे? भैया कुछ समझ में आ रहा था, मैं बीच में प्रश्न यही है कि रोटी की आवश्यकता सीमित नजर आती है, गाड़ी मकान साड़ी डायमंड
तमाम ये चीजों की आवश्यकता आपको असीमित लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है? मैं शायद इसलिए क्योंकि इसको सुख से जोड़ के देखते हैं और हम इतने सुखी हैं नहीं और हम दुखी दिखना नहीं चाहते, शायद इसलिए। बढ़िया, तो इसको अब समापन की ओर ले चले। देखिए काफ़ी सारी बातें आप लोगों ने कह दी लेकिन मूल में इतनी बात समझ में आई कि इन सब चीज़ों को एक नाम दिया जाए तो इसको सामान बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों को एक नाम दिया जाए तो उसको सम्मान बोल सकते हैं, और सामान से सम्मान की तलाश है। सम्मान क्या है? जीने की वस्तु है कि जिंदा रहने की वस्तु है? तो सम्मान जीने की वस्तु है, वस्तु मतलब वास्तविकता। तो सम्मान पूर्वक जिया जाता है, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहते हैं। तो बेसिकली जब मैं सामान को सम्मान से जोड़ता हूँ, स्टेटस से जोड़ता हूँ और लोग क्या कहेंगे से जोड़ता हूँ और कहीं कम अधिक की फीलिंग उसको देख के आती है, तो बेसिकली सामान से सम्मान और सम्मान कितना चाहता हूँ? निरंतर, असीम। और वो सामान से चाहता हूँ तो सामान की आवश्यकता कितनी हो गई? वो असीम हो जाती है। तो रोटी भी सीमित नहीं है, रोटी भी असीमित ही है। शादियों में जब आप रोटी को स्टेटस सिंबल से जोड़ देते हो कि हमारे यहाँ ऐसा खाना देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, अब वो सम्मान से जुड़ गया तो आपका खाने का बजट ही 2 करोड़ हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सम्मान अपने आप में फैली हुई चीज़ है, अनलिमिटेड वास्तविकता है। जब भी हम भौतिक चीज़ों को सम्मान के साथ जोड़ लेंगे तो भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता भी अनलिमिटेड हो जाती है, और लगातार फिर आप जस्टिफिकेशन कुछ भी दें, भाषा कुछ भी बनाएं, मामला केवल इतना है कि हम भौतिक वस्तुओं के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आदमी के साथ जीने का ज्ञान हमको नहीं है, आदमी के साथ जीने की खुशी हमारी नहीं है, तो जो खुशी हमको स्वयं के साथ, अपने भाव और विचार के साथ और दूसरे मानव के साथ जी के मिलती, उसकी भरपाई हम किन्हीं भौतिक वस्तुओं के साथ करना चाहते हैं। अच्छा लगना किसी सीमा में जस्टिफाइड है लेकिन बहुत बारीक तार है कि कब अच्छा लगना सम्मान के साथ जुड़ जाता है और कब अच्छा लगना अच्छा लगने की सीमा में होता है। तो उसको भी पहचानने की जरूरत है कि धीरे से उसको पहचानेंगे। जीना पहचान में आएगा तो अच्छा लगना तब पहचान में आएगा, अभी दोनों मिक्स हुआ रहता है। ठीक, कितने प्रतिशत लोग सामान से सम्मान की तलाश में हैं? ठीक हो गया, तो ऊपर वाला माला खाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने है ना IIT किया, IIM किया, IAS किया, मंत्री हो गए, 10,000 करोड़ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 30 रुपये रोज कमाते हो, उसमें भी दिखावा हो ही सकता है। तो इसमें किसके पास कितना है उसका कोई मामला नहीं है, मानसिकता कैसी है सारा खेल उस बात का है कि स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो अभी यदि हम देखें जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, आप थोड़ा सा शांति से उस व्यक्ति को याद करें जिसका आप दिल से सम्मान करते हैं। कर लिया? तो जिस व्यक्ति का आप दिल से सम्मान करते हैं उसका आप सम्मान उसकी गाड़ी के कारण करते हैं, कपड़े की वजह से करते हैं, लंबाई की वजह से करते हैं, धर्म और जाति के कारण करते हैं, एजुकेशन के कारण करते हैं, क्या कारण से करते हैं? कोई आचरण है ना? तो कितनी सिंपल सी बात है, जब आप किसी का सम्मान केवल उसके व्यवहार उसके आचरण के कारण करते हो तो कोई आपका सम्मान आपके कपड़े से गाड़ी से करेगा, ये निष्कर्ष कैसे आ जाता है? क्या लगता है?
कितना सिंपल है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें गैप्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि केवल एक छोटे से एग्जाम्पल से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि मैं किसी का सम्मान उसकी गाड़ी, उसका मकान, उसके कपड़े, उसकी लुक, इन चीज़ों के आधार पे मैं किसी का सम्मान नहीं करता, फिर भी मैं इससे प्रभावित तो हूँ और मैं भी ये सारी कोशिशें करता हूँ, तो मैं क्यों करता हूँ फिर मैं क्यों करता हूँ क्या पाने के लिए करता हूँ? ये तो आपको बहुत क्लियर है कि आप किसी का सम्मान उसकी गाड़ी के कारण, कपड़े के कारण नहीं करते हो, फिर क्यों करते हैं? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, उसके व्यवहार के कारण कोई उसका एक गुण है वो मैं पसंद आ रहा है, उसके लिए हम उसके उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होके ये सब करने लगते हैं, शायद उसका एक ये अट्रैक्शन बहुत महंगा है ना। आप किसी को देख के गाड़ी खरीद के ले आए, उसकी मंथली ईएमआई आप ही पढ़ाते हैं। नहीं, कोई चीज़ नहीं, उसका व्यवहार है, उसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, वो तो ठीक ही है, व्यवहार तो देखो फाइनली वो तो बात हो ही गई कि हम किसी व्यक्ति को दिल से पसंद करते हैं। अगर उसके जैसे बनना चाहते तो हमारे वो अलग बात है, वो तो बात ठीक ही है। तो वो तो बात अलग हो गई कि हम किसी व्यक्ति को दिल से पसंद करते हैं तो उसके किसी आचरण की वजह से करते हैं, ये तो बात ठीक हो गई। फिर इतनी मेहनत क्यों हो रही है और उसमें हमारा काफी हैवी इन्वेस्टमेंट है भाई। मारवाड़ियों में तो लगभग मकान और शादी में पूरी जिंदगी नहीं बढ़ जा रही है ना। और किस कम्युनिटी का हाल कैसा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे मित्र मारवाड़ी हैं तो पूरी जिंदगी की सारी मेहनत शादी और मकान में, ऐसी शादी करनी है कि किसी ने नहीं की होगी और मकान ऐसा बनाना है कि किसी का नहीं होगा, इतने में पूरी जिंदगी नहीं बन गई। ये काफी महंगा सौदा है। तो गैप्स कहाँ पे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्वेश्चन क्लियर है? बताओ कौन बोले? लेफ्ट आउट फील करते हैं हम, लेफ्ट आउट फील करते हैं, ये एक कमेंट आया है ना। तो इसका मतलब है सम्मान की तलाश नहीं है, एक लेवल नीचे आए। तो मैं ये जो कुछ भी कंपैरिजन करके दूसरे को अपने दूसरे के बराबर दिखना चाहता हूँ, या वस्तुओं के मामले में जो कुछ भी दिखावा हम करते हैं, उसके मूल में एक चीज पकड़ में आई कि मैं पीछे नहीं छूट जाऊं, कोई उसको कम ना आंके, कम ना समझे, मैं सम्मान के लायक नहीं हूं या मैं बराबरी के लायक नहीं हूं ऐसा। और माइक अल्टीमेटली तो खुशी के लिए सम्मान मिलने के बाद भी जो फील क्या हो रहा है, खुशी ही फील हो रही है अल्टीमेटली गोल नहीं, खुशी जो उन्होंने कहा कि खुशी ना फील हो तो अभी एक बात है, वो दुख गले मत पड़े, मैं लेफ्ट आउट फील नहीं करूँ, छोटा महसूस नहीं करूँ अपने आप को, इसलिए मैं कम से कम उस रेस में बने रहना चाहता हूँ, एक कारण और भी हो सकता है। हाँ जी माइक सर, मुझे लगता है हमारे देश का जो सबसे बड़ा त्यौहार है लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, तो यहाँ पर लक्ष्मी को इतना पूजा गया है कि वो आदमी के अंतःकरण में जाके बस गई है।
और लक्ष्मी से ही सब सम्मान सामान मिलता है। देखो अभी की जनरेशन तो पूजा वूजा करती नहीं, पर प्रभाव तो वहां भी पर्याप्त है। हाँ जी भाव की पूर्ति इंद्रियों सुख से कर रहे हैं तो आई थिंक उसके कारण भी हो सकता है। हाँ जी और कोई, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हो? हाँ जी माइक उधर, एक माइक। कंडीशनिंग बहुत हैवी हो जाती है, कंडीशनिंग बहुत भारी है और उससे क्या होता है कि हम अपनी अपूर्णता से भागते हैं, हम इन चीज़ों के थ्रू पूर्ण होने की कोशिश करते हैं। जी बढ़िया, कोई हमारा दिल से सम्मान करे ऐसे अपने कर्म है नहीं, अब क्या करें? तो कम से कम स्वयं को शरीर मानते हुए जिंदा रहने के धरातल पर जो चीजें हैं उनमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, यह हमारी चर्चा कल भी हुई थी। भाई सुंदरता का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, पैसा कितना होगा उसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो सारा कंपैरिजन किस बात का है कि मैं ज्यादा हूं कि तुम ज्यादा हो? अब मामला सम्मान का नहीं है, मामला यह है कि मेरे को मैं कम हूं कि आप, मतलब मूल में तो सम्मान ही है लेकिन अभी जो सम्मान ओरिजिनल वाला सम्मान है उसका तो कोई अता पता नहीं है। इतना ही है कि अभी हमारा स्वयं को शरीर मानते हुए जीने का तो पता नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा हूं कि तुम ज्यादा हो, दब के जीना कि दबा के जीना, तो या तो मैं आपको प्रभावित कर देता हूँ, आप छोटा महसूस करने लगो और आपके सामने मैं बड़ा महसूस करने लगो, तो मामला सम्मान का नहीं है, मामला छोटे बड़े का है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो मैं बड़ा हूँ, चाहे मेरे पद से, चाहे मेरी सैलरी से, चाहे मेरे टर्नओवर से, चाहे मेरे डायमंड से, चाहे मेरे कोई और फिजिकल चीज़ों से, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास आपसे ज़्यादा है, तो जिन चीज़ों को हम सम्मान का आधार बना रहे थे उनमें मैं आपसे ज़्यादा हूँ, आप मेरे से कम हो, तो ये अपने अहंकार का पोषण, भावनात्मक पोषण तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम जीने के धरातल पर होंगे तो भावनात्मक पोषण होगा, तो अभी तो हम अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं या दूसरा भी अपने अहंकार का पोषण करता है, तो कुल मिला के हम अपने को बड़ा बताना चाहते हैं, सामने वाला अपने को बड़ा बताना चाहता है और हम छोटा सिद्ध होना नहीं चाहते हैं या लेफ्ट आउट फील करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें सम्मान कहीं है नहीं। प्रभावित करना और प्रभावित होने वाला भाग ज्यादा है, प्रभावित करने और होने में कौन छोटा है कौन बड़ा है, और मेरे को इतना ही तय करना है जब मैं जीने के धरातल पर नहीं हूं तो मेरे पास भाव है नहीं, ये बात पहुंच रही? जब मैं जीने के धरातल पे नहीं हूं, समझ के धरातल पे नहीं हूं, तो मेरे पास भाव है नहीं, तो मैं आपको सम्मान देना चाहता नहीं हूं, तो मेरे को इतना ही तय करना है कि आप इस लायक हो भी नहीं। हाँ जैसे दिल्ली में ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हो, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से आपके बारे सब कुछ तय हो जाने वाला है कि आप मेरे से बात करने लायक भी हो कि नहीं, या आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। तो मैं आपका स्टेटस जानना चाहता हूँ, फिजिकल स्टेटस जानना चाहता हूँ कि मेरे को आपसे प्रभावित होना है कि नहीं होना है, या मेरे को आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। सम्मान बोलते समय मेरे को संकोच होता है क्योंकि सम्मान जैसा कुछ वो है नहीं, तो आपको मेरे से प्रभावित होना है कि मेरे को आपसे प्रभावित होना है ना। जैसे दिल्ली में मिलेंगे तो आदमी शुरू के 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेगा, 5-10 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेगा, फिर धीरे से दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे तो अपनी लैंग्वेज में आ जाए। गुजराती को गुजराती बोलने में कॉम्प्लेक्स नहीं है, मराठी को मराठी बोलने में कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब तक अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोलोगे तो पढ़ा लिखा सिद्ध नहीं होता है।
पढ़े लिखे का पहचान यही है कि इंग्लिश बोलेगा तो पढ़ा लिखा। एक फिल्म नहीं आई थी अभी बीच में इंग्लिश, एक और आई थी हिंदी मीडियम आई थी स्कूल का, वो दिखाया था। तो इसका मतलब है कि ये जो बात कही कि हमारे भीतर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसको भरने की एक कोशिश ये सारा सामान है। सम्मान उम्मान इसमें कहीं बेचारा दूर दूर तक दिख नहीं रहा। क्या लगता है बोलो भाई? चर्चा ही कर रहा हूँ मैं, निष्कर्ष नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब ये बात आती है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता हूँ कि उसकी गाड़ी के आधार पे मैं किसी का सम्मान करूँ, किसी की हाइट अच्छी है इसलिए मैं सम्मान करूँ, वो ब्राह्मण है इसलिए मैं सम्मान करूँ, तो धर्म और जाति और हाइट और शरीर और गाड़ी और कपड़े के आधार पर हम कोई किसी का सम्मान नहीं करते। फिर ये इतनी दौड़ किस बात की? और इतना कॉस्टली अफेयर है ये। एक मकान जो आपके लिए, वो एक हमारा दिल्ली में शिविर करते थे तो एक टीचर का मेरे को याद आता है, तो वो गवर्नमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर होते ना, वो था। उसका दोस्त इंश्योरेंस कंपनी में चला गया, तो एक शाम को अपनी बाइक लेके आया, उसको आके दिखाया, देख इंश्योरेंस में होता तो ऐसी बाइक होती, कहाँ टीचर हो गए। अब उसका दिमाग खराब हुआ, शाम को उससे महंगी वाली बाइक खरीद के उसके घर गया, देख टीचर होता तो ऐसी बाइक होती, कहाँ सड़ी बाइक में घूम रहे। बोले मैं बोल के तो आ गया, उसके 3 साल किस्त में पटाया। फिर तो 2 मिनट का गुस्सा मेरे को 3 साल भारी पड़ा। अब हमारी जिंदगी में कितनी चीजें भारी पड़ रही हैं आप देखिए। हम एक तरह के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, हम एक तरह की कॉलोनी में रहना चाहते हैं, हम एक तरह के मकान में रहना चाहते हैं, और सारी जिंदगी फिर हमारा बच्चा भी जाके किसी दूसरे शहर में एक मकान ही बनाता है। तो सारी जिंदगी मैं वस्तुओं के लिए था कि वस्तु मेरे लिए थी? और जिंदगी की सच्चाई क्या है? मेरी जिंदगी वस्तुओं के लिए हो गई है। दिल्ली में किसी से भी पूछोगे ना 70 साल की एज में कि जिंदगी में क्या कमाया, तो बोलेगा 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे में मैं फ्लैट। किसी को भी पूछ लो, तो 1 फ्लैट पहले किराए पे था, फिर अपना हो गया, फिर पैसा आया तो 1 फ्लैट और ले लिया, फिर पैसा आया तो 1 फ्लैट और ले लिया, करते करते जिंदगी की शाम हो गई। तो सारी जिंदगी फिर बेटे ने क्या किया, बेटे को क्या कर रहा हूँ, उसको भी फ्लैट खरीदने के लायक बना रहा हूँ। तो बाप ने भी फ्लैट खरीदे, बेटे ने भी फ्लैट खरीदे, तो कुल मिला के हम और ने तो फिर उसी का धंधा कर लिया। तो कुल मिला के आप देखोगे तो सारी जिंदगी कहाँ इन्वेस्ट हो गई और लास्ट में मेरी मुट्ठी में क्या आया, किस बात के लिए? और इसमें जबकि सम्मान है नहीं, जबकि आपको पता है कि आप किसी के मकान के आधार पे उसका सम्मान, बल्कि उसको गाली देते हो, चार की उसका सम्मान करते हो। हमने मेहनत करके खुद को गाली देने वालों की संख्या बढ़ाई है। मेरा मकान छोटा रह गया, आपका बड़ा हो गया, तो मैं आपको सम्मान देता हूँ कि मैं आपको गाली देता हूँ? पहले नंबर 2 का लाया होगा। जी सर, चोरी किया होगा। हाँ जी सॉरी। अभी जो समाज में जो चल रहा था वो सब देखते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ, मेरे साथ दूसरा भी मेरे लेवल पे ही काम कर रहा है, मगर उसने करप्शन करके ज़्यादा गाड़ी वगैरह वगैरह ले ली, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे बोले कि तुझे क्या आता है, देख इस तरह जीना जाता है, तो उसको सम्मान मिलता है जो ऐसे चीज के साथ जुड़ जाता है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही अर्थों में सम्मान मिलता है कि उससे लोग प्रभावित होते हैं अपने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण। हाँ, प्रभावित होते हैं। ये 2 चीजों को डिफरेंशिएट कीजिए कि उस मकान की वजह से उसको सम्मान मिलता है, या जिनका मकान छोटा है वो बड़े मकान वाले से अपने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं और इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होने को मैं सम्मान मानता हूँ। सही बात।
आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। नहीं आया। और आत्मा परमात्मा की बात करके इतने साल गीता वेद कुरान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर करके हमको सम्मान समझ में नहीं आया। कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं पूरे विश्व में? गांव हो, शहर हो, लंदन हो, दिल्ली हो, अमेरिका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई धर्म और जाति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बीमारी है दिखावे की, वो इस हद तक बढ़ गई है कि जो सोशल सेलिब्रिटीज होते हैं वो महंगी ड्रेसेस पहनते हैं एक बार, और वापिस वो ड्रेस वापिस उसी तरह ना करना पड़े, उसके भी डिजाइनर्स आ गए हैं कि मैं आपकी ड्रेस को ट्वीक कर लूंगा, अलग दिखेगी होगी, वो ड्रेस को थोड़ा ऑल्टर कर दूंगा तो कुछ अलग दिखेगी, उसलिए आपको वही वाली पुरानी ड्रेस आप पहन रहे हो वो समाज में ना दिखे, क्योंकि आप तो सेलिब्रिटी हो। मतलब शादी दूसरे की है, उसके चक्कर में मेरे को 50,000 का 20,000 का सूट लेना पड़ता है ना? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। तो ये जो सारा मैं दोबारा पहन के वही सूट दिख गया, या वही साड़ी दोबारा पहन के मैं चली गई, है ना, क्या हालत है? दिल्ली की दिसंबर की साड़ी में, दिसंबर की शादी में, जनवरी दिसंबर दिल्ली खूब ठंड होता है और ओपन शादियां होती हैं आजकल, और महिलाओं को कोई ठंड नहीं लगती, सिंगल ब्लाउज में, और आदमी तो बेचारा। और जून की शादी में दूल्हा थ्री पीस में, दोनों साथ साथ बोलना पड़ता है ना, कोई अटैक मत करे। तो ये सब देखने से हमको समझ में आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सम्मान तो अभी कहीं दूर की बात है, हमारे भीतर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे भीतर की कटोरा कटोरा। तो कभी मेरे को लगता है कि मेरी ड्रेस के नाम पे दे दे, कभी मेरे को लगता है मेरी पीएचडी के नाम पे दे दे, कभी मेरे को लगता है मेरी कार के नाम पे दे दे, कभी मेरे को लगता है किसी और मेरे मकान के नाम पे दे दे। तो कटोरे का प्रॉब्लम है। बोलिए, बोलो भाई, यंग जनरेशन, बोलो कैसा लग रहा है? देखो हमारा तो जो होना था हो गया, अपने तुम लोग की मुक्ति। सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी जैसे रिस्पेक्ट की बात हो रही है, हमें कॉलेज में जो वर्कशॉप्स थे उसमें भी सिखाया गया था, उसमें भी समझाया गया था, बट यहाँ पे जो डीप लर्निंग हो रही है, जो डेप्थ में जा रहे हैं, तब मतलब रियल पता चल रहा है कि हम किसके पीछे अभी भाग रहे हैं। ड्रेसिंग, मतलब कॉलेज में भी हमें यूनिफॉर्म दे रखा है, बट हम दस मतलब सुबह सुबह उठ के ये डिसाइड करते हेयर स्टाइल कौन सी करें, क्या क्या पहने, कौन सा मतलब एक्सेसरीज, सब ये सब डिसाइड करते हैं। यूनिफॉर्म है, चप्पल कौन से पहने, बैग कैसा हो, मतलब सब कुछ ऐसा हम करते हैं। हम उसी के पीछे भागते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, बट वो अटेंशन। और दूसरा फिर देखना चाहता है तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। आप दिखाना चाहते हो, वो देखना चाहता है, फिर आपको लग रहा है ज्यादा देख रहे। क्या करें, बड़ा मुश्किल है ना ये। सर हम अटेंशन को रिस्पेक्ट मान चुके हैं इन शॉर्ट। हाँ, जो अटेंशन मिलती है हमें जब अलग कुछ करके जाओ तो अटेंशन होती है, रिस्पेक्ट नहीं, और हमें लगता है रिस्पेक्ट मिल रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आज सीखा है। गुड, हाँ बोलो भाई, क्या समझ में आया? सर एक कंफ्यूजन था। हाँ, एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, हाँ। मेरे जीजू है। जीजू है, उनका कुछ गवर्नमेंट जॉब है पोर्ट पे, उस पर सबसे ईमानदार घर है ऑफिसर, न खुद रिश्वत लेते हैं ना लेने देते, नीचे वाले भी नहीं। सर साइकिल लेके जाते हैं, कमिश्नर है, और छोटा सा ही घर, मतलब घर 25-30 साल, अभी तक अभी रिनोवेट होगा शायद उनका घर है। सर खुद के हिसाब से करते, उनका अभी सम्मान हुआ था जैसे आपने कहा कि, पर दिखाने के लिए सम्मान हुआ,
कुछ ग्रेटिट्यूड भी दिया उन लोगों को, उनको ऐसा, पर लोग पीठ पीछे तो उतनी ही गालियां देते कि ये तो यही का यही है, इतने सालों में क्या कर लिया है, इतना ईमानदार होके के वही का वही पुराना मकान। तो एक चीज समझ नहीं आ रही थी एक्चुअल, जैसे आपने कहा सम्मान है कि नहीं, उसके है उसके पास वो आंखें भी नहीं थे कि उसका सम्मान देख सके। मतलब लोग सम्मान तो कर रहे हैं पब्लिकली, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, पर पीठ पीछे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद की नजरों में आप सम्मानित हैं, वो तो बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप है ना, उसके बाद तो सम्मान वो है जो मैं स्वयं को देता हूं, सम्मान वो नहीं है जो दुनिया मुझको देती। क्या मतलब फर्क हुआ इसका? दुनिया मेरे को मंच पे कितना भी माला पहनाए लेकिन मैं मंच पे कितनी देर रहूंगा, जिंदगी तो मंच पे नहीं जीऊंगा ना। तो आप मेरे को कितना भी माला पहनाओ, कितने ही बड़े मंच पे बैठे हैं, कितना ही बड़ा सम्मान मिले, कितने ही लोग अप्रिशिएट मिल रहे हैं, कितने ही लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, है ना, लेकिन आप तो अपने भाव और विचार के साथ तो आप उतने ही अकेले हो, वहां तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन। तो बाहर से मिली हर चीज मोमेंट्री है। देखो हम तो 20 साल से यही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हमको लोग ऊपर वाला प्यार नहीं करते, दिल से ही करते। इसके बावजूद भी वो मेरे जीने का सहारा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बाहर से मिली कोई भी चीज, चाहे ओरिजिनल ही क्यों ना हो, वो आपको अच्छा लगने की सीमा में ही है। ये जो 24 घंटे मेरे भीतर चलता है और मैं स्वयं स्वयं का सम्मान नहीं कर पाता हूं, मेरे खुद के भीतर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, मैं अपने अस्तित्व के लिए डरा हुआ हूँ, मेरी पहचान संकट में है, किसी दूसरे को देख के मेरे को कंपैरिजन होता है, मेरे को अपना आपा छोटा महसूस होता है, जो 24 घंटे चलता है इसका क्या करूँ, इसमें कौन सी गाड़ी डाल दूँ, इसमें कौन सा कपड़ा डाल दूँ कि ये ठीक हो जाएगा, कौन सा परफ्यूम डाल दूँ। और ये तो बहुत जोर से बोलता है ना, तो आपको पता नहीं चलता है लेकिन मेरे अंदर क्या चलता है तो मुझको पता चलता ही है ना। तो मैं स्वयं में अपमानित हूं, इसका सम्मान कौन करेगा? इसको ना डायमंड ढक, बाहर वाला मेरे डायमंड से प्रभावित हो गया, बाहर वाला मेरे पद से, मेरी गाड़ी से प्रभावित हो गया, लेकिन मुझको तो पता है ना मैं अंदर से कैसा हूं, उसमें काम नहीं चल रहा। तो जो स्वयं में सम्मानित है उसको कोई अपमानित कर सके ये संभव नहीं है, और जो स्वयं में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान कर सके ये भी संभव नहीं। जीना तो अपने साथ 24/7 आप अपने भाव और विचार के साथ होते हो, आपके भीतर की इनसिक्योरिटी, आपके भीतर का खातिपन, आपके भीतर का कॉम्प्लेक्स, कंपैरिजन, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस करना, अपने अस्तित्व पे संकट महसूस करना, अपने भीतर एक खालीपन होना, अपने में कोई खुशी नहीं होना, यही मानसिक बेरोजगारी। इसी मानसिक बेरोजगारी को आप घूम के आपके भरने की कोशिश कर लो, आप खा लो, पी लो, दिखा लो, कुछ भी कर लो, अब इसमें कुछ जाता नहीं है, ये वहीं गाँव ही रहता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो दारू पी के सोना पड़ता है उसका इतना ही मतलब है कि अपने आप को फेस नहीं कर पाते। दारू पीने का मतलब है कि कुछ देर के लिए तो कम से कम मैं अपने आप को भुला पाता हूं। इसलिए भीतर से आदमी जितना काला हो जाएगा, जितना आदमी भीतर से मैला हो जाएगा, उसको अपने आप को ढकना उतना ही जरूरी होगा, उतना ही उसको दारू पिए बिना नींद नहीं आएगी। कहाँ पहुंचे है? माइक ले लो। इतनी अच्छी बात तो सब खुल के बोला जाए, कहीं तो मंच हो जहां अपने दिल की बात कह सकें। गुड, भैया जी ये तो आपका फेवरेट कलर पूछ रही है। हाँ
बट कमिंग बैक बहुत भारी कंडीशनिंग है एंड कब खत्म कैसे खत्म होगी ये इतने सारे लोग मैं भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी हम 50 इयर्स ओल्ड होते हैं तो वाइट हेयर तो आते ही हैं लेकिन फिर भी डाई करना जरूरी हो जाता है क्यों व्हाई क्यों इतना नहीं यू हैव इफ यू आर ऑन स्टेज यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल अरे 50 के हो तो 50 के दिखो ना उसमें क्यों आपको नहीं दिखना सो ये सारी जो हमारी कंडीशनिंग्स हैं इसको तोड़ते तोड़ते एक शायद एक और जनरेशन चला जाए आई डोंट नो और एक और चीज जो मैम बात कर रहे थे सिविल सर्विसेज या कोई भी मैं तो बोलता हूँ कि शायद जो आर पार देख सकते हैं कि ये जितने लोग बहुत ज्यादा बहुत फास्ट सक्सेसफुल हुए हैं मैं कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन पे नहीं बोलूंगा बट आमतौर पे मुझे काफी टाइम दिखता है कि मानो इनकी हॉस्पिटलें और बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है तो मैं वही बोलता हूँ कि जितना बड़ा हो रहा है शायद उतना अंदर घोटाला चल रहा है और यही चीज आई थिंक हर ट्रेड में एप्लीकेबल है मीन्स और ये एक्सेप्शंस आर प्रोबेबली द ज्वेल्स जो आज के दिन भी अगर वो डॉक्टर 10 रुपए में ओपीडी करके गरीबों की सेवा कर रहा है शायद वो जेन्युइन डॉक्टर है बट आमतौर पर लोग बोलते ना कि फंक्शंस में चीफ गेस्ट दूसरे वाले को बुलाएंगे बट वो भी एक खोखलापन ही है वो चीफ गेस्ट बनना भी खोखलापन है जब मैं 6th-7th में थी तब मैंने अपना गोल बनाया था कि मुझे IAS बनना है तब से मैंने मतलब यही सोचा था कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं मतलब इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है मैं पहले ये भी सोचती थी कि मैं मम्मी को यही कहती हूँ मम्मा करप्शन करना है मतलब पैसा कब कमाना है मुझे जैसे तैसे ये तो मैं पैसे लूँगी करप्शन करूँगी मस्त अपना घर वर सब बनाऊँगी सही में मैंने ये बोला था कि मुझे इतना सीधा नहीं बनना है सीधा बन के कुछ नहीं होने वाला जो भी है उसके पास कुछ नहीं जो ईमानदार है उसके पास कुछ भी नहीं है ये मैंने देखा और मैंने यही सोचा पर मेरी जो बहन है छोटी वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं करना होता है जितना होता है ईमानदारी से करो बट यहाँ पे फिर मैंने सही में ये 2 दिन में यहाँ पे आके जो भी सुना है मेरा पूरा व्यू ही चेंज हो गया पैसा थैंक यू मगर तुमको सुनते और पता चल जाएगी ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं नहीं होऊंगा तो इससे मतलब इतना ही हुआ कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है मानव मूलतः सुखी होना चाहता है उसको सुख का सही दरवाजा दिख जाए तो मानव इस गलती अपराध के कलंक से मुक्त हो सकता है हर मानव हो सकता है तो यदि ये क्लैरिटी हम बच्चों को दे पाए खुल के बात कर पाए और वो तमाम लोग जो ऊपर तक पहुंचे हमारे समाज में तो परंपरा ही नहीं है ना कि लौट के आगे बताएं उनका क्या हाल हुआ भाई 10,000 करोड़ वाला आके बताए उसका क्या हाल हुआ उसने क्या सोच के कमाया था क्या वहां पहुंच के कैसा लगा एक चीफ चीफ सेक्रेटरी अगर रिटायर हो गया उसको 15 साल हो गए अब वो आके बताए समाज को कि उसका क्या हाल हुआ है ना एक CM आके बताए क्योंकि जिन लोगों को हमने बड़ा मान रखा है वो भीतर से वाकई में उनका हाल कैसा है बिना ये जाने हम भी उसके लिए कोशिश करते हैं और पाने के बाद हमारा क्या हुआ हम भी गुमनाम हो जाते हैं जिंदगी तो किसी नियम से चलती है तो जिंदगी का नियम हमको पता चलेगा तो मेरे को लगता है कि समाज का ये बड़ी जिम्मेदारी है समाज का बड़ा काम है कि जिन लोगों को समाज ने बड़ा माना है वो लोग सामाजिक जगहों में आए इस तरह के फंक्शन इस तरह की चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करें वो ईमानदारी से आके बताएं मैं क्या सोच के बड़ा हुआ था मैंने क्या सोच के मेहनत किया मैंने क्या पाया और उस पाने के बाद मैंने क्या महसूस किया और तुम्हारे लिए ये मैसेज है ऐसी परंपरा हो रही थी आवश्यक हर आदमी कोई रिपीटेड असफल जिंदगी जी रहा है कैसे देखो
अभी दुनिया की दौड़ कुल इतनी है, ए बी सी डी ई, दौड़ इतनी है कि पैसा कमाओ सुखी हो जाओ, पद पाओ सुखी हो जाओ, या कोई विशेषज्ञता, और फाइनली विशेषज्ञता पद और पैसे में ही लैंड होती है। ठीक हो गया? पद और पैसे के मामले में ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है, ई से बड़ा है, उससे भी बड़ा है, और इससे भी बड़ा है। ए अपने तुलना में बी को सफल मानता है कि असफल मानता है? सफल मानता है। बी अपने तुलना में सी को, सी अपने तुलना में डी को? सफल। और बी अपने आप को, बी अपने आप को, क्योंकि कंपैरिजन करेगा तो किससे करेगा? सी अपने आप को, डी अपने आप को, डी अपने आप को। अब ए 10 साल मेहनत करता है, बी हो जाता है, तो अब सफल हुआ कि असफल हुआ? ए ने ये मान के मेहनत किया कि मैं बी हो जाऊंगा तो सफल हो जाऊंगा, लेकिन जब बी हुआ तो उसका कंपैरिजन सी से शुरू हो गया, तो अब सफल मानेगा कि असफल मानेगा? फिर असफल हो गया। फिर 10 साल मेहनत करके डी हो गया, अब सफल होगा कि असफल होगा? फिर 10 साल मेहनत करके ई हो गया, अब सफल मानेगा कि असफल मानेगा? फिर मेहनत करके ई हो गया और लास्ट में बुलौवा आ गया। जब बुलौवा आया तो अपने आप को सफल मानता था कि असफल मानता था? और इस बीच में जिंदगी खाली की खाली, क्योंकि आपकी पूरी प्रायोरिटी पद और पैसा था, आपकी प्रायोरिटी संबंध नहीं था, आपका स्वयं का संबंध स्वयं से संबंध भी नहीं था, स्वयं का संबंध परिवार से भी नहीं था, आपका संबंध समाज से भी नहीं था, आपका संबंध बाहर भी नहीं था, तो एक एक करके सब छूट गए, एक एक करके सब छूट गए। ये एक एक व्यक्ति की कहानी है जो इस राह पे चले। इतना ही है, ये खुल के बेचारा बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बोल देगा जो थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है वो भी जाएगी। तो जिंदा रहने के धरातल पर ये जो हम वस्तुओं से इज्जत पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो रीडिफाइन करना होगा कि एक आदमी की सफलता का मतलब क्या है, एक परिवार की सफलता का मतलब क्या है, एक कंपनी की सफलता का मतलब क्या है, एक देश की सफलता का मतलब क्या है। और कोई दूसरे के लिए रीडिफाइन करे नहीं करे, मुझको तो अपने लिए डिफाइन करना है। हमने लिए अपने लिए डिफाइन किया, ठीक। मैं 24 साल का घर से निकला, 22 साल की एज में जॉब शुरू किया, 22 23 24 3 साल जॉब किया, ठीक। उस समय निकले थे और बहुत सारी स्ट्रगल से गुजर के, ऑफ कोर्स जिंदगी की तलाश थी तो बहुत सारे प्रयोग किए। आज कम से कम 56 में उस जगह खड़े हैं कि कोई भी क्षण के लिए कोई भी विचार और कोई भी सपना ऐसा नहीं छूटा है कि जो ये कहे कि यार तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हर क्षण अपने में सफल फील होता है, हर क्षण अपने में सुखद फील होता है, हर क्षण अपने में उपयोगी फील होता है, क्योंकि एक सही समय पे लिया मैंने, लोग क्या कहेंगे इस पे नहीं चले, है ना। तो इसका मतलब है जिंदगी तो माफ नहीं करती। लोग आपको किस निगाह से देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं अपने आप को किस निगाह से देखता हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी निगाह 24 घंटे मेरे साथ लगी ही रहती है, वो तो पीछा छोड़ती नहीं।
और मेरा सारा ध्यान चला गया पर्स कैसा दिखे, बाल कैसे दिखें, कपड़े कैसे दिखें, और वो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, फोटो डाल के देखा कितने लाइक आए कि नहीं आए, तो मेरी ऊर्जा कहाँ लगी हुई है? मेरी ऊर्जा मेरे विकास के लिए लगी हुई है कि मेरी ऊर्जा दूसरों के साथ लगी हुई है? इसलिए इसका सूत्र है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है, उल्टा ऊर्जा का बहिर्गमन ही नाश है। तो हम सब मेहनत करके अपनी कब्र खोदने में लगे हैं और इसमें आप सफल हैं। है? ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। हम पिछले 3 दिन से क्या कर रहे हैं? ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही नाश है। नाश लिख लो, हास लिख लो, हा के नीचे र, विकास का उल्टा ह्रास, ह आधा रह, ह्रास। बहिर्गमन का मतलब है ऊर्जा का आउटवर्ड फ्लो, बाहर की तरफ। बहिर्गमन का मतलब है कि अच्छा कपड़े से मेरे को सम्मान मिलेगा, अच्छे कपड़े से लोग मेरे से प्रभावित होंगे, है ना, मेरी शक्ल से प्रभावित होंगे, मेरी गाड़ी से प्रभावित होंगे, मेरे मकान से प्रभावित होंगे, ये सब ऊर्जा का बहिर्गमन है। मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? बाहर की तरफ। और ऐसे में भीतर की हालत क्या होगी? ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। ऊर्जा का मतलब, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, नहीं एनर्जी नहीं, ऊर्जा का मतलब है आशा विचार इच्छा, मेरी कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ ऊर्जा का मतलब पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन हर समय बाहर से सुख पाने के लिए लगी है, आपका सुख दूसरों का मोहताज है, आपके सुख के लिए दूसरे पे निर्भरता है, आप गुलाम हो, आप दुखी रहोगे, इसमें कोई शंका नहीं। आयस बन जाओ तो भी दुखी रहोगे और कई लोग को दुखी करोगे। हाँ जी, क्या समझ में आया? लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। खुद को धोखा नहीं दिया जा सकता, खुद के साथ न्याय करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। फिर आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे दिखें, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए कोई मना ही नहीं, लेकिन उससे मैं अच्छा नहीं हो जाता। अच्छे कपड़े पहन के आपको अच्छा लगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे मैं अच्छा नहीं हो जाता, उससे मैं खुश नहीं हो जाता। इतने ही कपड़े अच्छे लगते हैं, रात को वही पहन के सो जाओ, 24 घंटे घर में सूट टाई पैंट लगा के ऐसा लगा के बैठे रहो, वो लहंगा जो शादी में पहना जाता है 2 लाख का आधे घंटे के लिए, है ना, दोबारा कभी नहीं पहनता। हाँ, तो कहीं तो जिंदगी को देखना ही पड़ेगा ना। हाँ जी बोलिए। बस इसको उसी में समराइज किया, बिल्कुल। तो पूरे देश में करने लायक काम, पूरे विश्व में करने लायक काम, इसको हमको बाई एजुकेशन कैसे किया जाए,
समाज में कैसे किया जाए और अपनी योग्यता होगी, इसका टीचर कितने लाख रुपए महीने में मिलेगा, जो दूसरों की मानसिक दरिद्रता दूर कर दे, ये टीचर कितने लाख रुपए महीने में मिलेगा, इसे को हायर नहीं किया जा सकता। हम लोग को कोई हायर नहीं करता है ना, हम किसी के लिए बाध्य नहीं है, सरकार ना हमको बाध्य कर सकती है ना कोई और हमको बाध्य कर सकता है, हम तय करते हैं हमको किसके यहाँ जाना है। माइक, हाँ जी, तब तक आप बोलिए। सर ऐसा लगता है कि ये जो दर्शन है मिला नया, वो सही मायने में वो जो गरीबी निवारण योजना गवर्नमेंट चलाती है। एक बार हम, गरीबी भौतिक नहीं होती, गरीबी एक मानसिक घटना। हाँ जी, क्या पढ़ा रहे हैं? फ्रॉडियन थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सिग्मंड फ्रॉड। हाँ, फ्रॉडियन। सो टिल द टाइम देयर फ्रॉड ही था वो। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर हमें ये पढ़ा रहे हैं और आप जैसे आप यू नो यू गोइंग इन डेप्थ की जो इकोनॉमिक्स की हमें डिमांड एंड सप्लाई ऑल ऑफ दैट जो हमें पढ़ाया जा रहा है कि स्केर्सिटी है इसीलिए हम सब हॉर्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना पढ़ाई जाए एंड ये सिलेबस अगर तैयार हो जाओ बस बाकी काम हो जाए। आई एम तो रेडी बट मैं स्कूल में नहीं हूँ ना, और स्कूल में तो हम भी नहीं हैं, हम सरकारें बदलते हैं, बट ये पॉसिबल है। कुछ मत सोचो, ऑल स्कूल वाले और 15 स्कूल उनके पास 10,000 बच्चे हैं, बट ये सिलेबस चेंज करना पॉसिबल है। सब पॉसिबल है, आदमी का ही बनाया हुआ, आदमी चेंज करेगा। जब सरकारें बदलना संभव है तो सिलेबस भी बदलना संभव है। पर जैसे हम आईसीआईसीआई आईसीआईसी सब वैसे आई सब बदल जाएगा, आप चिंता ना करो। आई होप सो। जिस चीज को जनता मांगेगी उसको सुनना सरकारों की विश्व की जरूरत है, बाध्यता है, मजबूरी है। जैसे इन्होंने कोई सिलेबस नहीं देता है और बोर्ड यही कहता है कि सराउंडिंग में जो ट्रुथ है वो पढ़ा रहे हैं। अब ये परिभाषा में पढ़ा रहा हूँ, मतलब 9th में परिभाषा भी है, तो पढ़ाते टाइम टीचर उसका सच भी तो बता देगा ना, भले एग्जाम में झूठ लिख के आया और एक एग्जाम में वो सच भी लिख के आ गया तो नंबर कितने कटेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर से तो बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, वो पीछे आना भी उसके लिए सोच लेगा पीछे आगे क्या होता है। नहीं, अभी तो चेंज ही हो रहा है पूरा। देखो, हमारे समय से कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारा, उसने हमारे सर्टिफिकेट देखे और आ जाएगा, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म होने वाली है। अब तो गूगल भी बिना डिग्री देता ही है ना, जैसे ये गवर्नमेंट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कर दिया, अगर ये सही पढ़ा दिया गया तो कितना बुलंद हो जाएगा। तो फिर क्यों लिमिटेशन हमारे माइंड में बोर्ड की है, हर पेरेंट के माइंड में बोर्ड की लिमिटेशन है, स्कूल के उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तैयार चाहिए टीचर्स। तो तैयार कितने टीचर बनना चाहते हैं रेजुएंट्स? 1, 2, 3, 4, 5 वैकेंसी है आज से। नहीं कहने के रियल में क्या होता है कि हम अपने बच्चे लिए टीचर अच्छा चाहते हैं, टीचर कोई बनना ही नहीं चाहता। भाई आप ही बता दो कि आपके बच्चे जिन स्कूलों में सो सेड नहीं तो, कहने का मतलब यही है कि हम टीचर बनना ही नहीं चाहते, नहीं बनाना चाहते हैं, अपने घरों में अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहते हैं या आईएएस बनाना चाहते हैं। 10th में कोई बच्चा ये खड़ा नहीं होता कि बोलता मुझे टीचर बनना है, और फर्स्ट में सब टीचर बनना चाहते हैं। देखो इनका डर ये है, और डर जेन्युइन है क्योंकि ये हमको परंपरा से भी मिला है, कि लोग ऐसा सोचेंगे तो उनका कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा, उनका मटेरियल वर्ल्ड में उनकी महत्वाकांक्षाएं कम होंगी, ट्रेड ही पूरा कम हो जाएगा, लोग ज्यादा कपड़े जैसे वार्डरोब्स लेडीज नहीं भरेगी तो वहां तो सोचना ही पड़ेगा ना कि जीडीपी के नाम पे पूरे धरती का रिसोर्स निकाल के एक ही पीढ़ी खर्च कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, जो जीडीपी विकास का गलत मापदंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे लोग हम नॉन प्रोडक्टिव हैं, वर्तमान पूरी एजुकेशन नॉन प्रोडक्टिव लोग पैदा कर रही है, अनएम्प्लॉयबल नॉन प्रोडक्टिव, जिसका रेशो 70% से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए डाटा ये कहता है
कि देश में पैदा होने वाले 10% बच्चे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, देश की पूरी पॉपुलेशन का 10% बच्चे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और 70% कॉलेज गुड फॉर नथिंग है, केवल ठप्पा है। ठीक, अब लास्ट में क्या रेशियो बचा बताओ, क्या रेशियो बचा? 10% का 70%, 3%। तो 3% लोग केवल कुछ ठीक एजुकेशन पा रहे हैं जो अभी की, जिसकी हालत वैसी खराब है, जिसमें फ्राइडियन पढ़ के, इंजीनियरिंग पढ़ के, है ना, इस सारी हालत को देखोगे तो हमारी हालत कैसी है। तो मैं कहता हूँ कि यदि आदमी की समझ बढ़ेगी, भाई 1992 में मैंने जॉब से रिजाइन किया तो हमारी मानसिकता कैसे थी पता है? 500 रुपये का जंप मिल गया तो जॉब छोड़ो, जॉब चेंज कर देते थे। 500 रुपये उस समय आपको 3,500 रुपये मिलते थे और 500 रुपये का जंप में हमारे लिए ठीक ठाक जंप था, उस समय हम ऐसा सोचते थे। आज इस काम को करते हुए हमारी महत्वाकांक्षाएं कम हुई हैं कि बढ़ी हैं? आज हम सोचते हैं कि सरकारों में एजुकेशन बदल जाएगी, देश का, विश्व का सोचने का तरीका बदल जाएगा और ये बदलेगा, ये बदलेगा। और ये चेंज कोई ऐसा नहीं है कि जो रातों रात आ जाएगा, इसलिए वो ट्रांजिशन भी ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो जाएगी। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट कंडीशन बढ़ेंगी, है ना। जैसे अभी हम, जैसे ये अपने समर्थ वाले भैया है ना, ये लोग दर्शक भाई है ना, मान लो इनकी कंपनी है, मान लो आपकी कंपनी है, देखते हैं कौन आगे आता है। तो यदि अभी कंपनी में HRD होता ही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD की जगह अब कंपनी में ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होगा तो कंपनी लगातार अपने सारे एम्प्लॉयज की, पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करेगी। यदि कंपनी की मेंटल हेल्थ के लिए काम करेगी तो लोग लगातार छोड़ के जाने की सोचेंगे कि कंपनी को रिटेन करेंगे। अभी कंपनी के HR डिपार्टमेंट का एक ही काम है कि कंपनी खुद में ट्रेनिंग सेंटर होके रह गई है, लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, उनकी चेन को बनाए रखना ही कंपनी का HR का काम है। तो HR को आदमी की समझ नहीं है। तो ऐसे भी यदि कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि अभी आदमी के पास एक ही है, उसको जितनी भी सैलरी रहेगी उसके आगे 1-0 और रख ही लेगा, किसी दोस्त की तुलना में कम ही रहेगा, इसलिए वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आखिरी सांस तक कभी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 0 रखना आता ही है, दोस्त से कंपेयर करना आता ही है, दोस्त से कंपेयर करके कम ही लगता रहेगा। बैंगलोर रहेगा तो उसको फिर हमें लंदन जाना है, लंदन के बाद अमेरिका जाना है, उसके बाद उसका कोई बचेगा नहीं, उसका अपना दुख किसी को बताएगा नहीं बेचारा वहीं जाके। तो ये दौड़ सबकी है। तो यदि ये मेंटल हेल्थ इंप्रूव हम कर पाते हैं तो कंपनी अपने लोगों को रिटेन कर पाएगी। कंपनी अपने मैं तमाम, वो दिल्ली में NIIT है ना, NIIT के मैनेजमेंट के साथ मैंने शिविर किया था। तो लोग अपने अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हैं तो उन्हें अपना CSR फंड देके अपने लोगों को ही NGO बना दी कि यार तुमको जो करना है करते रहो, पर जब चाहिए कंपनी के लिए उपलब्ध हो जाए। ऐसे भी लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, यदि मेरी कंपनी मेरी पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ के लिए भी सोचती है ना, तो यदि मेरे को अपनी प्रोडक्टिविटी के ढंग से, तो सही अर्थों में आदमी क्रिएटिव होगा तो कुछ नया क्रिएट करेगा। इनसिक्योर आदमी नया क्रिएट नहीं करता, वो तो लगातार उसको डर है कि मैं रहूँ, या तो कंपनी उसको छोड़ देगी, वो एक डर है, या कंपनी को डर है कि वो कंपनी को छोड़ देगा, दोनों ही डरे हुए हैं, क्या नया प्रोड्यूस करेंगे। तो ये किस दिन किसी कंपनी का, अभी जब हम NIIT के स्टूडेंट्स के साथ शिविर करते थे तो टर्नओवर में बात आती है ना, इतना टर्नओवर, इतना टॉप टेन तो तुम्हारी बैलेंस शीट वो अपने लालू प्रसाद यादव के समय में रेलवे प्रॉफिट में चली गई थी। अब अपने बैलेंस शीट कैसे मैनेज किया है वो आप जानो। तो इसका मतलब ये हुआ है कि किसी को सम्मान, किसी कंपनी का सम्मान क्या होगा। तो सही अर्थों में किसी देश और समाज के विकास में कंपनी का क्या योगदान है, किसी परिवार का सम्मान क्या होगा, किसी समाज के विकास में परिवार का क्या योगदान है, किसी व्यक्ति का क्या सम्मान होगा, अपने परिवार में, समाज में उसका क्या योगदान है, तो आदमी की महत्वाकांक्षा कम होगी या बढ़ेगी? बहुत बड़ी होगी।
बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा तो बेहतर प्रोड्यूस करेगा, एनवायरमेंटली चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, वो बिजनेस करेगा तो ठीक से। कभी बिजनेस क्या है, चोरी है। बिजनेस का बड़ा हिस्सा नंबर एक और नंबर दो को मैनेज करने में लगता है कि नहीं लगता है। सारी जिंदगी हमने मेहनत किया और कोई हमको चोर बोले, ये हमको कहाँ ठीक लगेगा। सीए का काम क्या है, सीए का 70% काम केवल मैनिपुलेशन बताना है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सीए खुद ही शिविर में बताता है कि मेरा 70% काम केवल मैनिपुलेशन है। वकील का काम क्या, वकील को पता है कि सामने वाला मर्डर किया है, उसको वो सही सिद्ध करेगा कि कौन सा व्यवसाय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन से नियम से यह हो जाता है कि एक एडवोकेट केवल अपीयर होने का 10 लाख लेगा, और फिर हम न्याय सबके लिए बात करते हैं। जब सारी चीजों को देखोगे तो सब खोखली है, खोखली बिल्डिंग है सब। हमको समझ नहीं है, इसलिए किसी की बिल्डिंग हम पे हावी होती है, किसी का पद हम पे हावी होता है, किसी का टर्नओवर हम पे हावी होता है। हम सही अर्थों में कितना प्रोडक्टिव हुए उसका संतोष हमारे भीतर है क्या? हम सही अर्थों में बड़े हुए उसकी खुशी हमारे भीतर है क्या? तो आदमी की प्रोडक्टिविटी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी, किसी देश और समाज की स्थिति जैसी है, इससे 1 लाख गुना बेहतर होगी। जितनी मेहनत अभी कर रहा है इससे आधी मेहनत में होगी। क्यों नहीं हमको टाइम है फैमिली के लिए, क्यों नहीं हमको टाइम है समाज के लिए? हम परिवार का हिस्सा है कि हम बाजार का हिस्सा है? बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है, बच्चे एटीएम मशीन बन जाए, यही माँ बाप की सफलता है। पैकेज, उससे अलग कुछ सोचना थोड़ी आता है। फिर हम रिलेशन ढूंढते हैं। एक बाप अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाता है तो क्या ढूंढता है? वो पैकेज ढूंढ रहा होता है। तो रिश्ते की बात मत करो, फिर डिवोर्स क्यों नहीं होगा? तुमने भी कहाँ देखा था कि रिश्ता चले, तुमने ये देखा था कि पैकेज कितना है? एक बाप को अपनी बेटी के लिए अकल नहीं होगी तो संसार में किसको किसके लिए अकल आएगी? अभी जो बहन जी ने बताया कि ये शिक्षा में क्या लाया जाता है सिलेबस में, तो मैं मेरा थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जूनागढ़ से हूँ और प्राकृतिक कृषि में काम करता हूँ। आप पूरे गुजरात की, थोड़ा ठीक से बता दो ना भैया, थोड़ा ठीक से आपकी बात सुनेंगे, बिना पद के नहीं सुनेंगे। पद बता दो। हाँ, हम पूरे गुजरात में प्राकृतिक कृषि का अभियान चला रहे हैं, तो इसमें हम सब, हमारी टीम है वो काम कर रही है। तो इसमें हमने ग्राउंड लेवल्स से ये डिमांड क्रिएट किया। हाँ, तो अभी गवर्नमेंट इसको सिलेबस में लाने की शुरू, ये बात शुरू हुई है। कल रात को एक चैप्टर बनाने का हमारे ऑनलाइन, अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी उसका सिलेबस आ रहे हैं, उसके कमेटी भी काम कर रही है। तो ये बात है जो दर्शन है, अगर हम सब जम के काम करेंगे तो अवश्य आएगा, क्योंकि उसके भी इतनी ही नीड है उसकी। मन से पढ़ाया जाता था प्रेमचंद के एंड उसने हम भी उतना ही ऑनर लेते थे, बट आज मेरी सोच बहुत अलग है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया जाता था कि 4,000 साल पहले केवल इंडिया ही जिंक प्रोड्यूस करता था पूरे विश्व में, और वो फॉर्मूला हमसे ही गया है। इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करी, बट आज वो पेटेंटेड टेस्ला ने करी है, वो हमारे से ही गई। हाँ। ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती। हाँ, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं था, क्योंकि हम मानसिक रूप से इतने गरीब नहीं थे। एग्जैक्टली। बट आज हमें ये सिखाया जाता है कि हम, मुगल ने हमें इन्वेड कर लिया, ब्रिटिशर्स ने हमें इन्वेड कर लिया, जो कि सच्चाई है, बट केवल 500 साल तक की सच्चाई है। उससे पहले की सच्चाई, चाणक्य नीति हमें नहीं पढ़ाई जाती है, पर हमें ड्रैगन सिखाया जाता है। बढ़िया। व्हाई? अगर ये चीज चेंज हो जाए तो हमारा कितना बड़ा चंक, क्योंकि हमारा इंडिया का आज का यूथ हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम उन्हें सही सिखाएं तो। नहीं तो हम यूथ के लिए दिल से निकलें, हम तो हर जगह करियर ढूंढते हैं ना। हाँ, हाँ। तो जब हर जगह मैं ही करियर ढूंढ रहा हूँ, यदि मैं आपसे इतनी बात क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी हमारे सामने बैठा है तो ये किसी फीस के लिए नहीं बैठा है, इसका कोई लाइफ टाइम कमिटमेंट है ना। यदि सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमको भरोसा होता है, यदि वो जिंदगी देता है तो हम जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। वो पैसा देता है तो हम पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो फिर ये काम वो नहीं है जो फीस लेके किया जा सके, ये काम जिंदगी वाले कमिटमेंट वाले हैं। यदि हमको लगता है इसकी ज़रूरत है ना, और इसके आदिकाल से चला ही आया है, बहुत सारे लोग इस तरह सोचते ही रहे, तो हम समाज के रूप में सोचना शुरू करेंगे। कोई ये यूथ भाई, यदि ये यूथ का दो दिन में ओरिएंटेशन बदलता है, और ऐसे तो हम तो हजारों लोग को देखते हैं ना, इसका मतलब सब कुछ हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर इसके लिए अगर लॉ हो, हमको तैयार होना पड़ेगा, लॉ बाद में, पहले हमको चेंज होना होगा। आप तैयार हो जाओ, बाकी उसके बाद सब होगा, देखते हैं आप कितने साल में तैयार होते हैं, हो जाएगा, बाकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने जैसे बोला कि कोई भी कंपनी है, बिजनेस है, बिजनेस में जैसे हम एक और दो को बैलेंस करने में जाता है, हम बिजनेस का करना है, हम बिजनेस सपोर्ट नहीं करता उसको, दो नंबर में करना पड़ता है। मेरी इच्छा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसके देश को 75 साल हो गया, रिसोर्स को रिस्क पे रखता है, बड़ा रिस्क लेता है, कोई बड़ा क्रिएशन करता है, तो उसका सम्मान होने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि कैसे हमारे सिस्टम ऐसे बने जो लोग जो समाज में कुछ क्रिएट कर रहे हैं हम उनका दिल से सम्मान कर सकें। आज के डेट में बिजनेस चलाना एक काम है, ये नंबर एक और दो से निपटना ये अपने आप में ज़्यादा हेडेक वाला काम बना रहता है। हम कुछ नया क्रिएट करें, हम एक लाइसेंस गवर्नमेंट से लेने जाएं, तो हमको जूझना पड़ता है, एक अधिकारी हमारे यहाँ आके क्या गलती निकाल लेगा, कहाँ हमारी गर्दन पकड़ लेगा, है ना, कुल मिला के सबको पैसा चाहिए, तो हम देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कहाँ सोच रहे हैं। तो व्यापारी भी है, उसको भी लगता है कि कहीं से नंबर दो से कहीं भी लूपहोल मिल जाए उसको भी पैसा आ जाए, अधिकारी को लगता है मेरे को भी पैसा आ जाए, ये बच्चे सोच रहे हैं कि हमको भी कहीं से कुल मिला के पैसे ही चाहिए। तो ये जो पूरा माइंडसेट बन गया है, तो इस माइंडसेट पे बात करने की ज़रूरत है। हमने कोई साधना नहीं की है, हमने कोई खाना नहीं छोड़ा है, बढ़िया हॉल में खाते पीते बात कर रहे हैं, लेकिन सबको ही बहुत दिल से बोल रहे हैं, बहुत गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं, और अपने व्यू पॉइंट को बदल भी रहे हैं। इसका मतलब ये काम हो सकता है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप हम नहीं करना चाहते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन मार्केट में रहना है और उसके जो तौर तरीके हैं उस पर चलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज चल रहे हैं, आज से बदलने का सोचेंगे। हमने 20 साल पहले सोचा था कि हम एजुकेशन बदलेंगे, आज 20 साल बाद हम उस जगह में हैं जहां हम एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि आज आप सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है 20 साल में कोई आ जाए कि मॉडल जहां हम चीज़ें बदल पाएंगे। लगता ही है कोई चीज़ में सफल, अचानक तो कुछ नहीं होता, तब तक अपने को जैसे है हाँ वैसे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से तो कोई उपदेश नहीं कर रहे हैं, इसको क्या बोला ना सब्जेक्ट टैक्स, तो आपके यहाँ कोई पैसा मांगने आता है बढ़िया दीजिए, क्योंकि उसके बिना आप कंपनी नहीं चला पाएंगे, बिना मतलब दूसरे से कोई फायदा नहीं है, तो हमने उसको समझदार नहीं बनाया, इसका टैक्स है। तो हम समझदार, हम तो हमारी कंपनी में एक काम HCD चलेगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट का काम चलेगा, जिसमें हम अपने कंपनी के सभी परिवार के लोगों के लिए, उनके मित्रों के लिए लगातार इस काम को चलाएंगे, कंपनी का CSR फंड अपने आप लगाएंगे। तो हो जाए, जो पीड़ा सबकी है उसके लिए रास्ता ना निकले ऐसा संभावना नहीं। हाँ, कोई ऐसी बात चाहिए थी, तो इस अनुसंधान की ये ताकत है कि हम जिंदगी को क्लासरूम में ला पाए, जिंदगी पे क्लासरूम में बात कर पाए। इसमें कोई इज्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की जा सकती है। तो जिंदगी पे पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में सभी धर्मों से, सभी जातियों से समान रूप से बात की जा सकती है, और जो धर्म और अध्यात्म में जहां हम सफल नहीं हो सके, जो गैप बाकी है, उस गैप को भरा जा सकता है। देखते हैं। हाँ जी बताइए, शानदार डिस्कशन के लिए जोरदार ताली, अच्छा रहा। तो निष्कर्ष क्या निकला? कटोरा मुक्ति अभियान, कटोरा मुक्ति अभियान। नहीं तो जीवन शैली इतनी महंगी हो गई है भैया, ताकत कब आती है? यदि मेरी जीवन शैली इतनी महंगी हो गई है, फिर मेरे को उस जीवन शैली को अफोर्ड करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है ना। मेरा 1 लाख का मेरा लैपटॉप जो हर 3 साल में बदलेगा, मेरी 10 लाख की वो 10,000 की 50,000 की घड़ी जो हर 2 साल में बदलेगी, अब ये रिकरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, मेरी गाड़ी जो हर 4 साल में बदलेगी,
मेरा घर जो हर 10 साल में मेरे को लगता है कि कुछ और कुछ हो, तो फिर आप उसी के लिए काम करो। आप कहाँ कुछ नया सोचो, हम क्यों नया सोच पाए? हम नया इसलिए सोच पाए कि हमने सारी कॉस्ट कट कर दी। जिंदगी पहले है, बाकी सब बात। मकान अपना हो जाए, जिंदगी किराए पे रह जाए, कि जिंदगी अपनी हो जाए चाहे मकान किराए पे रह जाए, और दोनों ही अपना हो जाए तो बहुत अच्छा। दोनों अपना हो जाए तो क्या बुरा? हमने क्या किया, जिंदगी किराए पे रह गए, मकान की संख्या बढ़ाते चले गए, जिंदगी किराए पे रह गए। जिंदगी की समझ होती तो जिंदगी बढ़ाते, मकान की समझ है तो मकान बढ़ा रहे। सिंपल, तो ऐसा आपकी है। मकान बड़े हो गए तो आप याद कर लो, आपके बचपन में कितने लोग हैं जो अपने मामा नाना ताया चाचा के हैं, 1-2 साल रह गए थे। ठीक, आज कोई आपके बच्चे को रखने तैयार है? आप छोड़ने को तैयार हो? आज कोई अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार भी नहीं है, कोई रखने को भी तैयार नहीं है। जबकि मकान पहले से बड़े हैं कि छोटे हैं? मकान बड़े हुए हैं, साधन बड़े हैं, सुविधाएं बड़ी हैं, आदमी छोटा हो गया। बढ़िया, तो एक बात का पता चला कि हमारा जो मानसिक रूप से जो स्वयं में विश्वास की कमी है, इसको एक सम्मानजनक नाम दे देते हैं। तो बेसिकली स्वयं में विश्वास की कमी को भरने के लिए हम वस्तुओं का सहारा ले रहे हैं। ठीक हो गया, सम्मानजनक भाषा भी जरूरी है। हम स्वयं में विश्वास की कमी को भरने के लिए वस्तुओं का सहारा ले रहे हैं, जबकि ये सफल हो नहीं सकता। स्वयं में विश्वास भाव है, भाव भाव से ही आएगा, वस्तु से भाव नहीं आता। समझने से भाव आएगा। चलिए, बहुत मेहनत किया। अभी बताओ इन बच्चों का क्या दोष है, कल को इस दौड़ में डालने वाले हैं इनको? ये भी चालू हो जाएगी अब 2 साल बाद, मेरे पर्स कैसे हैं? चलिए, तो इस सारे को एक शब्द में कहा जाए, इसका नाम सुविधा है। इसको एक शब्द में कहा जाए, इसका नाम सुख है। जब सुख कह रहे हैं तो निरंतर उसमें है। जब सुविधा कह रहे हैं तो इंद्रिय सुख सारा सुविधा में आता है, इंक्लूडिंग सेक्स, सब कुछ की बात करेंगे तो सब कुछ सुविधा में है। खाने पीने की सुविधा, आने जाने की सुविधा, सारी सुविधा, बच्चे पैदा करने की सुविधा, सुबह से लेकर शाम तक पूरे प्लेनेट पे हम सब लोग क्या चीज की दौड़ में लगे, सुविधा कैसे बढ़े, तो सुख का क्या होगा? सुख के बारे क्या सोच रहे? बस सुविधा होने से सुख हो जाए। गाड़ी में एसी लग जाए, मकान में एसी लग जाए। और सुख चाहते हैं असीम, इसलिए सुविधा चाहते हैं असीम। तो धरती पे जितना भी मानसिक दैहिक अपराध है वो सारा इन्हीं 2 लाइन से बस निकल के आता है। इस धरती के सारे दुख, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी दुख हैं, मात्र इन 2 लाइन से निकल के आते हैं। सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश, इस 2 में सारा मामला सिमट गया। इस 2 के लिए सारी जिंदगी कोशिश करके आदमी कहां पहुंचेगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए गलत नहीं कह रहे, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, ये यहीं से आया है। जबकि अब ये समझ में आता है
कि सम्मान क्या है, जैसे इस पेन का सम्मान क्या है, इस पेन का सम्मान क्या है, और नहीं देखेगा तो डस्टबिन। तो किसी चीज का सम्मान उसकी उपयोगिता है, ये उपयोगिता ही उसका मूल्य है। तो अभी यदि कहें कि उपयोगिता और कीमत, प्राइस एंड वैल्यू, वैल्यू एंड प्राइस, ये दो चीजें होंगे, तो आलू का वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, आलू का वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, वैल्यू मतलब उपयोगिता, आलू का आपको भूख लगे मत लगे, आलू में जो कार्बोहाइड्रेट है उतना ही है, आपको पचे मत पचे, आलू उतना ही है। तो आलू का जो वैल्यू है वो उसकी उपयोगिता है, और वो निश्चित है। यदि भ्रमित मानव इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, कल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर ले, है ना, तो 2000 साल पहले भी आलू वही था, आज भी आलू वही है, 2000 साल बाद भी आलू वही रहेगा। तो आलू का वैल्यू क्या है, उपयोगिता क्या है, आलू में जो पोषण की क्षमता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो निश्चित है, वो नहीं बदलती, ठीक है। आलू का प्राइस फ्लक्चुएट हो, कुछ भी हो, है वो श्रम मूल्य। श्रम मूल्य है बराबर है, ध्यान रहेगा। देखो श्रम मूल्य बोलती है, आंख में चमक आ गई। इससे यह भी समझ में आता है कि यदि कोई चीज अभी बच्चों को या हमको भी सबको लगता है कि सब कुछ पैसे से मिलता है, यदि पैसे से मिल रहा है तो वैल्यू किसकी होगी, पैसे की। और वह चीज, कोई भी चीज पैसे से मिलती है कि किसी ने प्रोड्यूस किया है इसलिए मिलती है। पैसा केवल एक्सचेंज का माध्यम है ना, पैसा केवल एक्सचेंज करने का माध्यम है, तो पैसे से कुछ नहीं मिलता है, पैसे से कुछ नहीं मिलता है। जब इकोनॉमी क्रैश कर जाती है तो 1 किलो 1000-1000 के नोट केवल इस काम आएंगे कि उसको आग जला के चाय बना सकते हो, और लोगों ने ऐसा किया है, लोगों ने ऐसा किया है। तो नोट किसी काम नहीं आता, भई हम पहाड़ पे चले गए और वहां चाय उपलब्ध नहीं है, और आपके पास बिल्कुल आपका बना, आप 100 करोड़ के मालिक हो, अब ले आओ चाय। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति ही लेके आएगा वहां पे। तो इससे ये समझ में आया कि पैसा केवल एक्सचेंज करने का माध्यम भर है, किसी ने प्रोड्यूस किया है इसलिए कोई चीज उपलब्ध हो जाती है। फिर सम्मान किसका होगा, फिर प्रोड्यूसर का होगा, श्रम का होगा, जो अभी हमारा नहीं है। हमारी एजुकेशन का बड़ा गैप ये है कि हमारे लिए काम ना करने वाला बड़ा आदमी है, काम करने वाला छोटा आदमी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके इससे क्या समझ में आया, किसी चीज की उपयोगिता, तो किसी भी चीज की उपयोगिता निश्चित है, वो कभी नहीं बदलती है। अब पेन लिख लो, पेन की उपयोगिता, अब पेन में डायमंड लगा लो,
गोल्ड लगा लो, लेकिन फाइनली पेन क्या रहेगा? पेन ही रहेगा, लिखने का काम नहीं करेगा तो किसी काम का नहीं। इसका मतलब कैमरे की उपयोगिता, पेन की उपयोगिता, बोर्ड की उपयोगिता, कपड़े की उपयोगिता, खाने की उपयोगिता, कार की उपयोगिता। कार 10 करोड़ की है या 10 लाख की है, उपयोगिता उतनी ही है। आपकी लंबी जर्नी है तो कार में कुछ क्वालिटी हो सकती है, उसका सस्पेंशन अच्छा हो सकता है, उसमें कई और फीचर हो सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन फाइनली मामला इतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता निश्चित होती है, शाश्वत होती है, वो कभी नहीं बदलती है, और कोई भी चीज़ का प्राइस उसका श्रम मूल्य ही होता है। बढ़िया, पूरी सभा एक साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो आलू के नीचे अपना नाम लिख लिखो, दोनों कॉलम भरो, आलू के नीचे अपना नाम लिखो और दोनों कॉलम में भरो क्या क्या भरोगे, भरो, पता चलेगा। आलू का पता है, अपना पता नहीं, डालो दोनों कॉलम में क्या डालोगे, दोनों कॉलम में क्या डालोगे। हाँ जी, आलू का बहुत कूद कूद के बता रहे थे, बनो आईएएस बनो। हाँ, दूसरे व्यक्ति को कैसे सुख मिले, बड़ा सोच समझ के बोलना। कैसे सुखी दुखी नहीं हुए, देखो दूसरे को दे देंगे। मेरी वाइफ का बोलना दोनों में जीरो आएगा, दोनों में जीरो आएगा, जीरो आ रहा है, ठीक ही है। यही हमारे दुख का कारण है, हमारे दुख का कारण यही है कि हमको आलू की उपयोगिता पता है, अपनी उपयोगिता पता नहीं है। इसलिए बच्चा भी कहता है, यार तुम बस पैसा दे दो, बाकी मेरे को समझता है, तुम बोलो मत बस, कि आपका हाल मेरे को पता है। हाँ जी बोलिए। अपने आप को सुखी करने में है। ओए होए, छाले छाले छाले, वाह भैया छक्का। स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता, आपकी खुद के लिए उपयोगिता क्या है, आपकी खुद के लिए उपयोगिता क्या है, ठीक है। फिर स्वयं की परिवार के लिए उपयोगिता, स्वयं की समाज में उपयोगिता, स्वयं की प्रकृति में उपयोगिता, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, इतनी उपयोगिता हर मानव की है ही, क्योंकि हर मानव प्रकृति में सांस लेता है, समाज में जीता है, परिवार में पैदा होता है, मानव के रूप में है ही। तो स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता क्या है, और ये काम हुआ नहीं, और मैं कहता हूं मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, परिवार कहता है हम दुखी तुमसे ही हैं। हम स्वयं के लिए उपयोगी नहीं हुए हैं, हम समाज में उपयोगी होना चाहते हैं, समाज को बदल देना चाहते हैं, देश को बदल देना चाहते हैं, है ना। जो स्वयं के लिए उपयोगी नहीं है वो किसी के लिए उपयोगी नहीं है। क्या मतलब,
क्योंकि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कन्फ्यूज आदमी क्या बांटेगा, दुखी आदमी क्या बांटेगा, अभावग्रस्त क्या करेगा, संग्रह ही करेगा, वही करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक स्वयं के लिए उपयोगिता, क्या उपयोगिता है मेरी स्वयं के लिए, पशु और मानव में एक ही अंतर है कि मानव में समझने की ताकत है। तो कहा कि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। मानव में समझने की ताकत है, ये समझने की ताकत का पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, तृप्ति बिंदु क्या है। तो जो कुछ भी मैंने समझा उसको समझने के आधार पे मेरा भाव और विचार स्वनियंत्रित हो गया, मेरी सुख की दुनिया मेरी हो गई, मेरे सुख के लिए मेरी दूसरों पे निर्भरता नहीं है, तो मैं अपने सुख के लिए आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ रिलायंट हो गया और सुख की धारा अविरल हो गई, निरंतर हो जाए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। तो इसका मतलब है मेरा सुखी होना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है या मेरा सबसे मूल काम है। तो मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सुखी होना मेरी जिम्मेदारी है। और अभी हमने क्या कर रखा है, मेरा सुखी होना किसकी जिम्मेदारी है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। हम अपने कर्मों से तृप्त होना चाहते हैं, है ना, कि मैं सही जिया, बढ़िया जिया, तो मेरे कर्म कैसे हों, तो मेरे कर्म ऐसे हों कि सभी सुखी हो जाएं, सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो जो मूल काम है, तो मैं स्वयं में तृप्त हुए बिना दूसरों की तृप्ति का आधार नहीं हो सकता। तो सारा पति पत्नी के बीच का झगड़ा मात्र इस बात का है कि हमने सुखी होने के लिए दूसरे को जिम्मेदार माना हुआ है। तो पत्नी को लगता है कि मेरे दुख का कारण ये पति मेरा सपोर्ट नहीं करता है, या इसको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, पति को लगता है पत्नी ठीक नहीं है, या घर के बाकी लोग ठीक नहीं है, या कुछ और जो भी आपने मान रखा। तो मैंने स्वयं को मेरे सुखी होने के लिए जिम्मेदार नहीं माना है, मेरे सुखी होने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं ही जिम्मेदार हूँ, दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मैं स्वयं में सुखी हो जाऊँ, समाधान बराबर सुख। क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं तो मेरी परिवार में भूमिका है कि मेरे परिवार के लोग भी सुखी हो जाएं, वो भी समाधानित हो जाएं और मेरा परिवार समृद्ध हो जाए। समृद्ध का मतलब है अभाव से मुक्त मानसिकता, ना साधन की कमी हो ना कमी का एहसास हो, उसको करेंगे। फिर समाज में मेरे परिवार की भूमिका क्या है, तो मेरे परिवार की भूमिका है कि समाज के सभी लोग समझदार हो जाए ताकि नंबर एक नंबर दो से मुक्ति मिल जाए, ये ऐसी मिलेगी। हम लोग रायपुर में हैं, संयोग से रंजीत भाई बैठे हैं, रंजीत भाई का वाशिंग पाउडर का पुराना काम है और मैं जब नया नया आया था तो एक बार एक एक्साइज इंस्पेक्टर आया और हम लोगों से कोई ये पूछ ले कि तुम करते क्या हो, तो वो गया काम से। तो आधा घंटे बाद चले, तो हम चार लोग बैठे थे, ऐसे परिचय हो जाता था, उसने पूछ लिया, बात हो गई, तो वो अपना जो भी उसका मंथली होगा 5,000 रुपये लेके गया था, 20 साल पुरानी बात है। तो कुछ दिन बाद वो किसी मीटिंग में दोबारा आए और 5,000 रुपये दे के गए, बोले यार आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, मेरा भी तो इसमें कोई योगदान होना चाहिए। ये तो एक केस है, मैं तो उस केस से आज तक आश्चर्यचकित हूँ। मैंने नहरपारा से रिक्शा किया
चौबे कॉलोनी तक 5 किलोमीटर की जर्नी हो गई। ये भी पुरानी बात है। तो रिक्शा किया तो मेरी ऐसी आदत है कि रिक्शे वाला अपना घर कैसे चलाता है उसका डायनेमिक समझने का मन करता है भी ये अपना घर कैसे चलाते हैं। किराया भी देता होगा, रिक्शा किराया भी देता है, बच्चे की फीस भी देता है, घर का किराया भी देता है, खाता भी होगा, तो अपना घर कैसे चलाता है। तो ऐसे मैं उससे पूछ रहा था, उससे बात होते हो तो उसने भी मेरे से पूछ दिया आप क्या करते हो। फिर वो मामला झंझट में आ गया तो हमने बता दिया। बताते बताते बात थोड़ी सी चल गई तो फिर जहाँ तक मेरे को पहुँचना था मैं उतर गया। मैं उतरता हूँ तो वो रिक्शे वाला बोलता है भरी जून की गर्मी में 5 किलोमीटर रिक्शा खींच के या 4 किलोमीटर रिक्शा खींच के वो मेरे को बोलता है साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो उसमें मेरा भी तो कोई योगदान हो। और वो पैसा नहीं लिया, मैं लाख कोशिश किया वो पैसा नहीं लिया। रिक्शे वाला हाथ रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, हाथ रिक्शा, हाथ रिक्शा वाला और वो पैसा नहीं लिया। मैं भूलता नहीं उस घटना को आज तक। तो किस छोटे वेश में कितना बड़ा आदमी निकल जाए और किस बड़े वेश में कितना छोटा आदमी निकल जाए इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए पहला काम है कि मैं तो ये समाज के सभी लोग समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध होंगे तो समाज भय से मुक्त होगा। इसका नाम अभय है। ऐसे सारे परिवार मिलके नेचर के साथ में जिएंगे तो सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस प्रमाणित हो जाए। तो मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में सह अस्तित्व प्रमाणित हो जाए, इसी का नाम मानव लक्ष्य है। इसी का नाम मानव लक्ष्य। तो सभी मानव का लक्ष्य एक है, वो आपके पैदा होने के पहले से तय है, आप उसमें कुछ भी चेंज कर नहीं सकते, उसको पूरा किए बिना आप तृप्त हो नहीं सकते। केवल चॉइस इतनी है हमारे पास कि उसको पहचान सकें, उसको पूरा कर सकें। सहअस्तित्व को एग्जिस्टेंस। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। स्वानुशासन का मतलब मेरे भाव और विचार मेरे नियंत्रण में है। अच्छा रहा बोले, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हिंदी में करते हो, इसमें क्या खास बात है। तो उसने बताया कि वो इंडियन इंडो कैनेडियन या इंडियन ऑस्ट्रेलियन कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो लोग एजुकेशन में ट्रेनिंग वेनिंग का काम करते हैं। बोले हम लोग पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश में देते हैं। मैं वो क्यों, बोले हिंदी में बोलेंगे तो लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ हम इंग्लिश में बोलते हैं तो आधे लोग तो बोलते ही नहीं है। माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि लोगों पर डोमिनेट कैसे करें। बोले आप जिस तरह से बात करते हो इसमें तो लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत कंटेंट अंदर तक जा रहा है। तो लोगों का किसी एक लैंग्वेज में इसलिए भी बोलना उनकी जरूरत है कि उनके पास क्वेश्चंस के आंसर है नहीं, तो प्रभावित कर देना और अपना पैसा ले जाना, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। इसलिए जो इसको इंग्लिश में भी करते हैं तो भी हिंदी में बोल के उसको रोमन में बोल के। हाँ जी, तो फिर हमारे इंजीनियरिंग का क्या हुआ, मानव लक्ष्य में मेरी इंजीनियरिंग का क्या होगा, मेरी स्किल्स का क्या होगा। मानव लक्ष्य में मेरी स्किल कहाँ आएगी, आएगी मेरी स्किल की कोई जरूरत है कि नहीं है, है? किसमें आएगी? अरे ये स्किल है, ये समझ है। और यहां जब मानव लक्ष्य को जिएंगे तो आपकी स्किल कहां जाएगी, तो समृद्धि पूर्वक जीने में आपकी स्किल का उपयोग है। तो एक डॉक्टर की तरह से मैं समृद्ध हो सकता हूं, एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन
लेकिन मानसिकता ठीक नहीं है तो क्या करेगा? वो किडनी बेच सकता है, एक आईएएस देश बेच सकता है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मानसिकता ठीक नहीं है, हमारी स्किल बंदर के हाथ में उस तरह है। और दूर क्यों जाए, हमने तो अपने घर में ही प्रयोग किया है ना, हमने अपने से अपने संबंधों को खोया है। कैसे खोया? स्किलफुल तो थे हम, बोलना मानसिकता ठीक नहीं थी, तो मानसिकता ठीक नहीं है तो हमने अपनों को खोया है, अपने को खोया है। तो स्किल बेसिकली वो है, स्किल मेरा श्रम मूल्य, स्किल पूर्वक मैं किसी चीज की उपयोगिता को बढ़ाता हूं। और मेरे को लगता है बात चली रही है तो पूरी कर लेते हैं। देखो, हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र का डेफिनेशन क्या है? अर्थशास्त्र पूंजी का शास्त्र है, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, ऐसा हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, याद है? ठीक, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मानव का शोषण और प्रकृति का शोषण कर लेना बाय डेफिनेशन निकल के आता है। इसलिए किसी भी फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो आदमी का कितना भी शोषण किया जाए, बिल्डिंग पे कितना भी खर्च कर दिया जाए, आदमी पे खर्च नहीं किया जाए, क्योंकि आदमी का शोषण किया जा सकता है। तो ये हमारे डेफिनेशन से निकल के आता है। अब ये समझ में आया कि सही मायने में अर्थशास्त्र क्या है। तो पूंजी क्या है? पूंजी का मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स के साथ मैं अपनी स्किल को इन्वेस्ट करता हूँ, और स्किल को इन्वेस्ट करके मैं उसके साथ श्रम करता हूँ, तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। तो जो उपयोगिता मूल्य में वृद्धि है ना, उपयोगिता मूल्य में जो वृद्धि है, इसका नाम पूंजी है। ये ठीक है? मैंने लकड़ी का टेबल बना लिया, सिंपल बात। तो लकड़ी का वेट, लकड़ी कैसे दिख रही थी? बाई वेट। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये पूंजी का क्रिएशन है। तो पूरे वर्ल्ड में पूंजी के क्रिएशन का और कोई तरीका है ही नहीं। जो नेचुरल रिसोर्स था वो तो नेचर में था ही, उसमें तो हम लाए नहीं। तो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर हमने अपनी स्किल को प्रयोग करके कोई श्रम किया, इसका नाम उपयोगिता मूल्य में वृद्धि है। उपयोगिता मूल्य में वृद्धि हो गई, इसका नाम पूंजी है। ये कैपिटल क्रिएट हो गया। हाँ, माइक आया ना पहले? अभी स्किल की बात हो रही नहीं है, समझ की बात नहीं। तो धन बोलते हैं ना, तो उसमें सा साइलेंट होता है, पता है कि नहीं पता? ये तो बात है। जैसे साइकोलॉजी बोलते हैं तो उसमें पी साइलेंट होता है, पता है? साधन बोलते हैं तो उसमें सा साइलेंट होता है, है? और क्या? पर ये सच्चाई है। धन क्या है? साधन को एक्सचेंज, इसलिए इंग्लिश में अच्छा शब्द है एक्सचेंज। साधन धन जो है कागज का टुकड़ा है जिस पे स्टैंप लगी हुई है। हमारे यहां दूध वाला है दिल्ली में, उसके पास चिल्लर नहीं रहता है तो उसने प्लास्टिक के सिक्के छपवा रखे और उसकी करेंसी सारे दुकानदार यूज करते हैं। ठीक, तो उसकी करेंसी पूरे मोहल्ले में चलती है, बाकी दुकानदार भी ले लेते हैं। ठीक हो गया? तो करेंसी का इतना ही मतलब है, कागज का टुकड़ा है उस पर एक ठप्पा मार दिया गया है कि इसका वैल्यू 20 है, तो कागज का और कोई मतलब नहीं। तो बेसिकली वो साधन को एक्सचेंज करने के काम आता है। तो साधन है, स्किल कहां पे है? मन में है,
माइंड में है, तो मेरा मन उसमें लगता है, उसके साथ मेरा तन उसमें लगता है। इसका मतलब धन हमको नेचर से मिला, साधन हमको नेचर से मिला, स्किल मेरे मन में है, मैंने उसमें मन लगाया, ध्यान नहीं दूंगा तो कुछ होगा, मैं ध्यान देता हूँ, मैं अपना मन लगाता हूँ, फिर मैं अपना श्रम लगाता हूँ। तो इससे ये समझ में आया कि तन मन धन तो बेसिकली पूंजी धन का शास्त्र है, अर्थ बराबर धन है, अर्थ बराबर धन है या अर्थ बराबर तन मन धन है, अर्थ बराबर धन है कि अर्थ बराबर तन मन और धन है, बताओ अर्थ बराबर केवल धन है कि अर्थ बराबर तन मन धन है ना। यदि पूंजी क्रिएट हुआ है तो मैंने मन लगाया है, मैंने शरीर लगाया है और मैंने साधन यूज किया है, तीनों को मिला के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि हुई है जिसको हम कैपिटल बोल रहे हैं। तो क्या है अर्थ बराबर धन है कि अर्थ बराबर तन मन धन है, एक नोबेल प्राइज के लायक है। अमर्त्य सेन को मात्र इस बात पे नोबेल प्राइज मिला कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में गरीब आदमी के वेलफेयर को कंसिडर करना कब इकोनॉमी के सफल होने के लिए उसकी जरूरत है। यदि 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 ये परिभाषा बदल जाए संसार में, अर्थ बराबर धन के स्थान पर अर्थ बराबर तन मन धन हो जाए तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज होने वाला है? तो मन को तृप्त रखते हुए, खुश रहते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, साधन का सदुपयोग करते हुए दूसरे के स्वस्थ रहने के लिए उत्पादन करेंगे, क्योंकि तीनों कंसिडरेशन में आ गया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एकमात्र एजेंडा होगा कि मानव का प्रोडक्शन करने वाले, प्रोडक्शन कराने वाले का, प्रोडक्शन करने वाले का खुश रहना भी एक एजेंडा होगा। आज वहीं हम पहुंच रहे हैं ना, सभी कंपनीज में सॉफ्ट स्किल्स को लेके तमाम तरह की ट्रेनिंग और तमाम तरह के काम अब होने लगे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उत्पादन करने वाला भी अल्टीमेटली मानव है, कराने वाला भी मानव है, मालिक भी मालिक है, मानव है। तो मन को खुश रखते हुए, तन को स्वस्थ रखते हुए, साधन प्रकृति में बैलेंस को बनाए रखते हुए दूसरे मानव के स्वस्थ रहने के लिए उत्पादन, इतना चेंज आएगा। अभी कैसा है, खुद को दुखी करने के लिए दूसरे को दुखी करते हुए, उसके शरीर का शोषण करते हुए दूसरे के शरीर का शोषण करने के लिए उत्पादन है ना। तो हम सभी एक दूसरे के लिए जहर पैदा करेंगे है ना। कैंसर पे जितना खर्च होता है उससे तो कहीं ज्यादा हम उधर बचा लेते ना, यदि सारे खर्चे जोड़े जाएंगे। आज जितना कैंसर फैल गया क्योंकि हमारे अनाज में जहर है, हमारे फल में जहर है, पानी में जहर है, कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके बाद जितना हमने उसमें से नहीं बचाया है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे कैंसर में तमाम चीजों में खर्चा हो गया, पर फिर भी ठीक है, ये जीडीपी के लिए ठीक है। लोग कैंसर से मरते हैं, इससे जीडीपी बढ़ता है। घर में माँ बाप की सेवा करने से जीडीपी नहीं बढ़ता है, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम एडमिट कराने से जीडीपी बढ़ता है। ऐसे तमाम तरह के हमारे सोचने के तरीके। बढ़िया बढ़िया, कुछ बात समझ में आ रही, क्या लग रहा है, कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? बोले शादी करने आए थे, पता नहीं क्या गले पड़ेगा लास्ट। हम तो छोटी प्रॉब्लम लेके आए थे, बोले ha ha ha।
बोले हमारी तो प्रॉब्लम छोटी थी, आप तो बड़ी वाली पकड़ा लिए। अब अपनी प्रॉब्लम कैसी लग रही है? हाँ अपने तो कुछ नहीं है, अपने तो कुछ नहीं, अपन देख लेंगे। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।